अज्ञान्ति निरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस वीकली प्रोग्राम में। हमने पिछले क्लास चर्चा किया था हाउ टू डील विद डिवोटीज, भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, लेकिन बहुत कंटेम्प्लेट करने के बाद मुझे लगा शायद उसका उल्टा टॉपिक ज्यादा रेलेवेंट है, भक्तों से कैसे डील करना है, क्योंकि हम में से 99% जो लोग यहाँ पर हैं वो अभक्तों से ज्यादा डील कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, है ना? तो भक्तों से हम कम डील कर रहे हैं और अभक्तों से ज्यादा डील कर रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट रहेगा। तो ये क्लास में हम कुछ इस पर चर्चा करना चाहेंगे शास्त्र से, और जो भी मेरा पर्सनल अनुभव है या जो मैंने अपने सीनियर से सुना है उस पर। ये किसी पर भी व्यक्तिगत नहीं है, और इसमें हो सकता है अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कंडीशंस होंगे लाइफ के, तो मैं इन जनरल बोलने का प्रयास करूंगा। और आप कोई भी इसको व्यक्तिगत रूप में मत लेना कि मुझ पर डायरेक्ट कर रहे हैं या ऐसा नहीं है, हमें अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको अप्लाई करना है और उससे बेनिफिट लेना है ना? तो सबसे पहले हमें जानना होगा भक्ति कितनी रेयर है। तो एक श्लोक श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध में आता है, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। ऐसा महामुनि भक्त कोई करोड़ों में एक होता है, कोटिस्वपि सुदुर्लभ बहुत अत्यधिक दुर्लभ सुदुर्लभ प्रशांतात्मा, मतलब जो पूर्णतया संतुष्ट है और आनंद में है। ये चलेगी मुक्ता नाम अपि सिद्धानाम, मतलब करोड़ों ऐसे मुक्त व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति सिद्ध होता है, लिबरेटेड सोल्स, और ऐसे करोड़ों सिद्ध व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति होता है जो पूर्णतः नारायण परायण है, जिसने भगवान नारायण या कृष्ण की शरण ली हो, और जो पूर्णतया प्रशांत आत्मा है और जो भगवान का शुद्ध भक्त है। यही बात भगवान भी भगवता में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धहे यततामपि सिद्धानाम कश्चित मामिति तत्वतः। हजारों हजारों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति जो है वो सिद्ध को प्राप्त, मतलब मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, और हजारों हजारों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति तत्वतः मुझे तत्व में जान पाता है, कृष्णा कह रहे ऐसा। और फिर चैतन्य महाप्रभु इन्हीं श्लोक को करते हुए कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित एको न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते, ब्रह्मांड मतलब कभी स्वर्ग लोग कभी नरक लोग, है ना, कभी निम्न योनि कभी जानवर कभी पशु पक्षी, ऐसे 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव जो है गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है।
तो मतलब आप समझिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, और कुछ कोट करना चाहूंगा, शिला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर जिनका भी तिरोभाव दिवस गया 2 दिन पहले, वो कहते थे अगर मैं मेरे पूरे जीवन में प्रचार करके एक शुद्ध भक्त बना दिया तो मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया। एक शुद्ध भक्त, एक, उन्होंने उनके कितने हजारों डिसाइपल्स थे, एक शुद्ध भक्त। शिला प्रभुपाद जी ने कहा यदि इस संसार में 1% व्यक्ति भक्त बन जाए, 1%, तो ये संसार बदल जाएगा, पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, ये वैकुंठ हो जाएगा, 1%, है ना। तो ये सब बात मैं क्यों यहाँ कोट कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि पहली बात तो हम जो कार्य कर रहे हैं या हम जिस प्रोसेस में लगे हुए हैं वो भी साधारण नहीं है, और आप बाय चांस यहां नहीं टपक गए, आप या मैं, हम सब, वी आर चोजन वंस। ये चीज आप जान के रखिए, जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं उनको चूज किया गया है, किसने, चैतन्य महाप्रभु ने चूज किया है, मतलब करोड़ों करोड़ जीवात्माओं में चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये मौका दिया है कि आप इसी जन्म में भक्ति करके भगवत धाम चले जाइए वापस, मतलब कैसे तो कैसे हमारा नंबर लग गया है ना। तो इसलिए जब हम भक्तों से डील कर रहे हैं तो अफकोर्स लास्ट क्लास मैंने बताया, तो हमें जानना चाहिए कि हम कुछ स्पेशल है, अब इसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि क्या होता है जब हम बाहरी दुनिया में लोगों से डील करते हैं, तो कई बार हम जो चीज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं हम उन पर भी इम्पोज करना चाहते हैं कि तुमको भी करना पड़ेगा, है ना। तो अभी देखिए मैं यहाँ 3 प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है, 3 प्रकार के नॉन डिवोटीज, जो भक्त नहीं होते, ठीक है, वो हम सबके संबंधित है। पहला फैमिली मेंबर्स जो हमारे सबसे करीब है, ठीक है, दूसरे नॉन डिवोटीज फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त जो भक्त नहीं है, और तीसरे एथिस्ट जो नास्तिकवाद लोग हैं जो मानते ही नहीं है भगवान को। आपको समझ में आया, 3, है ना। पहला है नॉन डिवोस डिवोटी फैमिली मेंबर्स, हमारे ऐसे किसी के पति, किसी के पत्नी, माता पिता, भाई बहन, जो भी है, नॉन डिवोटी फैमिली मेंबर्स। देन नेक्स्ट है नॉन डिवोटी फ्रेंड्स, और थर्ड है नॉन डिवोटी एथिस्ट। ऑफ कोर्स एथिस्ट नॉन ड्यूटी है वो, है ना, एथिस्ट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डीलिंग विद फैमिली मेंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है कई बार इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग की वजह से और प्रॉपर ट्रेनिंग के नहीं होने की वजह से हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, जो मैंने मेरे लाइफ में की है। मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी गलतियां की है, और मैं उन गलतियों से सीखते हुए आ रहा हूं पिछले 13 साल का अनुभव, इसलिए मैं आपको कुछ बता पाऊंगा क्या चीज नहीं करना है आपको, जिससे आपकी भक्ति को हानि पहुंच सकती है। तो देखिए कई बार जब लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो भक्ति, क्योंकि ये भक्ति का पहला सिम्टम ये क्लेशाग्नि, जो भी कोई व्यक्ति भक्ति में आता है भक्ति मार्ग में, तो उसको इस संसार के कष्टों से एक बार तो रिलीफ मिल जाता है, ये सब मानेंगे, है ना। एक बार तो आपको लगे अरे यार जबरदस्त जगह आ गए, लाइफ बन गई अपनी, तो इतना मस्त आनंद आता है, बढ़िया अच्छा प्रसाद, सारे लोग आपको हाथ जोड़ जोड़ के प्रभु जी माता जी बोल रहे हैं, कौन ऐसा बाहर डील करता है हमारे साथ, है ना, कौन हमें पूछता है इतना, है ना, सब एक दूसरे को प्रसाद सर्व कर रहे हैं, एक प्रकार से एक अलग ही दुनिया नजर आती है शुरुआत में, आगे भी ऐसा रहे अच्छा है, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, जो सच भी है, भक्ति में ऐसा मिलना भी चाहिए। अब हमारी सबसे पहली इच्छा क्या होती है कि ये जो आनंद मैं भोग रहा हूं ये मेरे परिवार वालों को भी मिले, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, कोई भी हो, है ना। तो सबसे पहले जब, जैसे जब हम लोग भक्ति में आए तो लगा काश मेरे माँ बाप को इस, क्योंकि जो चीज हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो हम स्वाभाविक ही अपने परिवार वालों को देना चाहते हैं, स्वाभाविक है वो, ये बाय नेचर है, खासकर भारतीय में, संस्कृति में जो लोग पले बड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही स्वाभाविक है। अब इस पे 2 एक्सट्रीम हो जाता है, एक एक्सट्रीम क्या होता है, एक्सट्रीम डिटैचमेंट हो जाता है जो लोग भक्ति करते हैं, और एक है एक्सट्रीम अटैचमेंट। मैं बता रहा हूं कैसे होता है ये। एक्सट्रीम डिटैचमेंट क्या है, कुछ लोग जो भक्ति करते हैं तो वो लोग जब गीता में श्लोक पढ़ते हैं संसार माया है, ये दुखालय है ना, या ये परिवार के जो लोग हैं सब माया है, ये तुम्हारे बंधन का कारण है, और आप भागवत में 2-4 ऐसे एपिसोड पढ़ लेते हो भरत महाराज का, मैं उन पर भी आऊंगा एपिसोड पर, तो
तो वो व्यक्ति क्या सोचने लगता है, ये लोग मेरे भगवतधाम जाने के मार्ग में एक कांटा है, ऐसा फील होता है उस समय, है ना। तो क्या होता है उस समय जब हम लोग भक्ति में आते हैं, तो जो लोग बहुत तीव्र भक्ति पकड़ते हैं, मतलब जिनके अंदर बहुत स्पिरिट है कि यार इसी जन्म में भगवतधाम जाना है, तो वो लोग अपने मार्ग से जितने भी ऐसे हर्डल्स हैं उनको दूर करना चाहते हैं, हटाओ सब सबको सब। तो जो भी व्यक्ति उसके जीवन में एक हर्डल लगता है, एक इम्पेडिमेंट लगता है, वो चाहता है इसको दूर कर दो मेरे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति है, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, तो आप देखोगे वो हर तरह का प्रयास करेगा कि कैसे उसके और उस जिससे वो प्रेम करता है उसके संबंध में जो कोई भी आ रहा है उसको साइड कर। तो जो भी व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है उसको हटा। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि अभी ये व्यक्ति जो है, हालांकि वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरी भक्ति में सहायक नहीं है तो इसको दूर करो, मेरा इससे कोई नाता नहीं है। ये एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है वो मुझसे अटैच है, मैं अटैच नहीं होना चाहिए उससे। तो वो आर्टिफिशियली अपने आप को डिटैचमेंट मोड पे ले जाते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत रिनाउंस्ड हूं, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूं, हालांकि वो है नहीं कोई, क्योंकि बाय नेचर आपका अटैचमेंट आपके फैमिली मेंबर से हट नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। और इसका प्रयास भी मत कीजिए, ये नहीं होगा इतना जल्दी, क्योंकि डिटैचमेंट का भी एक प्रोसेस होता है, वो समय के साथ साथ अपने आप आता है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि डिटैचमेंट और अटैचमेंट दो ऐसी चीजें हैं, भगवान खुद कहते हैं राग और द्वेष विमुक्त आत्मा, बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना। आप एक जगह से डिटैच हो रहे हो तो ये मत सोचिए कि मैं किसी से अटैच नहीं हूं, नहीं, कहीं दूसरे जगह अटैचमेंट आएगा, 100% आएगा। तो ये दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है, राग और द्वेष, अटैचमेंट डिटैचमेंट। तो जब तक आप कृष्ण से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होंगे तब तक आप आर्टिफिशियली डिटैच नहीं हो सकते। तो मैं ये उन भक्तों की बात कर रहा हूं जो अभी इनिशियल फेज में है, हम में से बहुत लोग सब इनिशियल फेज में है। अभी क्या होता है, प्रॉब्लम कहां जाती है, ना तो इस संसार से डिटैचमेंट हो रहा है ना भगवान में अटैचमेंट हो रहा है, ये लटका बीच में, ये त्रिशंकु बन गया अभी, है ना। होता क्या है, ना ये संसार से मुझे अटैचमेंट भी है, अभी जब मैं रोल में जा रहा हूं तो कहीं भजिया तल रहा है, बढ़िया प्याज का कुछ बन रहा है, या कोई अगर मीट खाने का आदत है किसी को तो वो नॉनवेज तल रहा है, तो आपके जी में पानी भी आ रहा है और उधर मेरा क्लास भी याद आ रहा है आपको। अरे भाई अभी फंस जाता आदमी, क्या करूं, अरे प्रभु जी ने मना किया है, मैं क्या, मैं डिवोटी हूं, मैं धोती कुर्ता पहना, मैं तिलक लगाया, मैं कंठी माला पहना हूं, मैं ये कैसे अभी खाऊं। उधर मन जा भी रहा है और लेकिन वो बचना भी है, उससे नहीं भी खाना है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है, माइंड आपको समय बहुत ट्रबल करने लग जाएगा, अरे क्या हो रहा है, मैं तो और परेशान हो गया हूं भक्ति में आने के बाद। ये फेज आएगा आपके लाइफ में, देखोगे धीरे धीरे फेज आएगा, तो उस समय क्या लगता है, अरे यार फंस गया मैं भक्ति में आकर के, क्योंकि अटैचमेंट ये जो वेक्टर है ऊपर वाला अटैचमेंट वही बढ़ा नहीं है और नीचे वाला जो वेक्टर है वो पुल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग क्या सोचते हैं, भागो इस संसार से, भागो इस संसार से, हमें भागना है। तो देन दे ट्राई टू अवॉइड देयर फैमिली मेंबर्स, छोड़ो इन लोगों को, राइट, सब माया में, सब फालतू लोग है, ऐसा मन में फीलिंग आएगा आपके, ऐसा आता है। ये एक एक्सट्रीम जर्नी, मैं वापस आऊंगा इस पर थोड़े और डिस्कशन के बाद। अब एक्सट्रीम अटैचमेंट क्या है, एक्सट्रीम अटैचमेंट क्या है, ये व्यक्ति का भक्ति करने का पर्पोज ही है कि जो जिससे मैं प्रेम करता हूं वो भक्ति कर रहा है, इसका पर्पोज ही वही है। तो क्या होता है, जब ये देखता है कि मैं देखता है, जब बोला मतलब दोनों देखता है, देखती है माता है प्रभु एक ही संबोधित कर रहा हूं मैं, जब ये देखता है कि मेरे भक्ति करने में जो दूसरा मेरा जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये भक्ति इसकी स्लैकनों लग जाती है ना। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं, घर में कोई समस्या है, चलो हम भक्ति करते हैं, अगर भक्ति करने से मेरी घर की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो ये भक्ति भी कोई काम की नहीं है ना, बिकॉज दे डोंट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज भक्ति, भक्ति क्यों कर रहे हैं, है ना। और कई बार ये अपने परिवार वालों से इतने अटैच हो जाते हैं कि अलग ही दिशा में चल जाते थे, तो इनके जीवन में कृष्ण का स्थान परिवार वालों से कम है, परिवार इधर है, कृष्ण कहीं तो बीच में आ रहे हैं और ये कृष्ण को यूज करके परिवार वालों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, बट ये भक्ति नहीं है,
आप ध्यान करें कि ये भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति का क्लियर कट डेफिनेशन रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु सीयनाम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति वो है जो अन्य अभिलाषा आपके मन में कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं है, वो है कृष्ण भक्ति। अब हमारे अंदर तो बहुत सारी इच्छाएं बहुत सारी है, कभी डरने की बात नहीं है हम, क्योंकि इसीलिए हम शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कोटिस्पी महामुनि करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा जिसके अंदर एक भी डिजायर नहीं है कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा, करोड़ों में कोई एक मिलता है ऐसा। तो हम सब तो अभी नहीं है वो सब, हम प्रयास कर रहे हैं उस स्तर तक आने का। तो इसीलिए ये होता है एक्सट्रीम अटैचमेंट। तो दोनों ही पहलू गलत है, दोनों ही एक्सट्रीम में नहीं जाना है। इसलिए डिवोटी को कैसा रहना है, पत्रम पुष्पम इवाम भसाद, क्या बोलते हैं भगवान भगवत गीता में, वी हैव टू बी लाइक अ लोटस लीफ, लोटस फ्लावर। आपने देखा है कमल का फूल, तो वो कीचड़ के अंदर पनपता है लेकिन कीचड़ में संता नहीं है वो। इसलिए ये इंग्लिश का प्रयोग याद रखना, वी हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, डिफरेंस है दोनों में। वी हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड, हमें संसार में रहना है बट इस संसार का नहीं रहना है, समझे ना, संसार का बन के नहीं रहना, हमें संसार में रहना है ना। अभी देखिए इसमें एक एग्जाम्पल आता है, तो कैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें एक व्यक्ति जो बहुत डिटैच है दुनिया से बट ही इज नॉट इनडिफरेंट, सो बी डिटैच बट नॉट इनडिफरेंट टू दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सुखदेव गोस्वामी, उनके बारे में आप सबने सुना है कैसे वो 12 साल होते 16 साल में अपने माँ के गर्भ से वो जन्म लिए और सीधा लेके कहाँ भागे, जंगल की ओर भागे, है ना। तो वो पूरे नग्न अवस्था में थे, उनको कुछ सुबूत भी नहीं है क्योंकि उनको स्वयं मायाधीश कृष्णा ने आकर के वरदान दिया था कि तुमको मेरी माया टच नहीं करेगी। तो जैसे ही बाहर निकले तो उनको कुछ पता नहीं कौन माँ कौन बाप कुछ नहीं, सीधा भाग रहे जंगल में, भाग के जा रहे। क्या इनफैक्ट वर्णन ये भी आता है कि स्त्रियां स्नान कर रही थी तो वो देख करके उनको बिल्कुल भी उनको फर्क नहीं पड़ा कुछ भी, क्योंकि पता है ये व्यक्ति इतना लिबरेटेड है कि इसको स्त्री पुरुष से भेद नहीं पता। ऐसा वैरागी पुरुष जब ये जाता है सुखदेव के समय हस्तिनापुर में आ रहे हैं तो ये देखते हैं परीक्षित महाराज जो कि अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं और यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं कि मरते व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सोचिए वो सुखदेव गोस्वामी, अब ये बात सूत गोस्वामी को नैमिर संध्य में ऋषिगण पूछ रहे हैं, सोनाका ऋषि पूछ रहे हैं, अरे हमने तो सुना है सुखदेव गोस्वामी एक घर में गोदोहन जब गाय का दूध निकालते हैं, अभी पता नहीं कितने लोग हैं एक्सपीरियंस है पता नहीं, लेकिन मैंने भी पर्सनल निकलवाया अपने सामने, तो गाय का दूध निकालने में कितना समय लगता होगा, हार्डली 5-10 मिनट एक बाल्टी निकल जाता होगा आराम से। तो भागवत में लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी एक घर में या किसी स्थान पर इतना समय ही रुकते थे जितना गोदोहन, माने गाय का दूध निकलने जितना समय है, क्योंकि उस समय टाइम मेजरमेंट नहीं था तो टाइम को मेजर करते थे यही सब चीजों से कि गाय दूध दोहने में कितना समय लगता है, उतना समय वो खाली रुकते थे एक स्थान पर और जैसे ही वो समय पार हुआ चले जाएंगे और रुकेंगे नहीं। अरे वो सुखदेव गोस्वामी 7 दिन और 7 रात बैठ के कथा बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है, ये सोनागत ऋषि पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं करुणया, परीक्षित महाराज पर कृपा करके करुणा करके ये सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवत सुना दी इनको। That means he is detached from this world, but not indifferent to this world. तो जब समय आया तब उन्होंने अपने नियम को भी तोड़ करके 7 दिन रुक करके वहां पर उनको कथा सुना दी। इसका मतलब क्या है, कई बार हम अपने भक्ति में कुछ ऐसे नियम पालन बना लेते हैं कि मैं तो ये फॉलो करूंगा ही करूंगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप जपा के लिए बैठ गए और आपने व्रत लिया है कि मैं बिना माला कंप्लीट किए उठूंगा नहीं, या मैं जो है किसी से बात नहीं करूंगा, या मैं कोई फोन कॉल नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आपके घर में ऐसी स्थिति आ गई, कोई गेस्ट आ गया, हाँ अभी अचानक से आप बैठे हो, कोई गेस्ट आ गया सुबह सुबह, या कोई इमरजेंसी चीज आ गई, लेकिन अगर आप उस समय अपने नियम को एकदम स्ट्रांग बना के रखोगे कि नहीं मैं तो बिना माला के कुछ करूंगा ही या नहीं करूंगी, आप देखोगे उस समय आप अपने फैमिली मेंबर्स में एक नेगेटिव फीलिंग भेजोगे, उनको एक नेगेटिव साइंस भेजोगे कि ये व्यक्ति जो है बहुत रिजिड है,
ये व्यक्ति जो है वो ऑफकोर्स आपके आपका डिटर्मिनेशन है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन अगर आप इंडिफरेंट बन जाओगे लोगों को कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भांड में जाए जो, चाहे घर में आग लगे चाहे जो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा व्यवहार करोगे आपके घर वाले आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी भक्ति को पसंद नहीं करेंगे, अरे ये व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोई गेस्ट आए तो पहले ऑफकोर्स ये सब गलतियां हम मैंने भी की है, तो क्या है कोई गेस्ट आ रहा है तो हम भाग जाते हैं वहां से, नहीं मिलना मुझे इससे, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल में भक्ति करना शुरू कर दिए थे उस समय, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज था प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हम लोगों को, समय के साथ साथ वो आता है। तो उस समय अगर आप इंडिफरेंट हो जाओगे अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी का बर्थडे है ठीक है और आप बोलोगे बर्थडे क्या है, ये तो माया है, तुम एक साल छोटे हो गए, तुम्हारे जीवन से एक साल कम हो गया, ये सब माया है, अगर आप ऐसे बोलने लग जाओगे उसको। या कोई व्यक्ति का, जैसे एक बार एक व्यक्ति, एक डिवोटी का कुछ उसको एक्सीडेंट हुआ या कुछ उसका सर्जरी कुछ हुआ, तो एक दूसरा व्यक्ति उसके सामने आया, तो कोई वो भी डिवोटी था, नया नया डिवोटी था, वो आके बोलता है, कोई एक माता जी थी, माता जी आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, ध्यान करो आप आत्मा हो, आप ये पीड़ा से ऊपर उठ जाओगे। तो वो माता जी बता रही थी, अरे अभी जो पीड़ा हो रही है वो उसके तो मैं शहर हूँ, तुम जानते हो क्या, जिस दिन तुमको होगा ना उस पर चलेगा। तो क्या होता है कई बार हम गलत जगह में गलत फिलोसफी को बोल देते हैं। तो अभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको जाकर ये फिलोसफी नहीं बोलना चाहिए वहां पर, आप बोलोगे प्रभु जी गीता में बताया है यार, भगवान दूसरा अध्याय पूरे 30 श्लोक में बोले हैं तुम शरीर तुम आत्मा हो, क्या सिखा रहा हम, आप ही तो बोलते थे तुम शरीर आत्मा हो। हाँ भगवान ने बताया, लेकिन वही भगवान जब अर्जुना के बेटे मरे, अभिमन्यु का मृत्यु हुई, तब उसको नहीं बोले तुम आत्मा हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर तुम आत्मा हो, नहीं बोले। उस समय क्या किया पता है भगवान, भगवान भी रोने लग गए अर्जुना के साथ, बोले कोई बात नहीं, ये संसार ही ऐसा है। तो क्या एम्पैथेटिक फीलिंग होनी चाहिए लोगों के साथ, है ना, तो किस फिलोसॉफी को कहां बोलना है ये भी हमें पता होना चाहिए, नहीं तो गलत जगह में गलत चीज बोलोगे तो आप अगेन आप देखोगे इट विल साउंड वेरी अनरीजनेबल या इलॉजिकल, वो आपको वैसा साउंड होगा। तो कई बार लोग कई बार ये गलती कर बैठते हैं, जो लोग खासकर नए नए भक्त बनते हैं, तो वो फिलोसॉफी को गलत स्थान पे ले आते हैं और वहां पर बोल करके वो पूरा मूड ऑफ कर देते हैं लोगों का, खास करके घरों में ये हो जाता है ना, हम ऐसा देखते हैं। तो इसलिए वी हैव टू बी डिटैच्ड बट नॉट इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सही नहीं है, क्योंकि आप घर में रह रहे हो, आप भी एक घर का हिस्सा हो, आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए। घर में किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देन यू शुड बी कंसर्न। अगर आप बोलोगे क्या कंसर्न, क्या ये सब कुछ नहीं जाना ही है, ये चला जाएगा, क्या होगा इससे, नो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। अभी देखिए नेक्स्ट एक और चीज है, बीइंग सेंसिटिव टू पीपल्स नीड, ना लोगों की जरूरतों के प्रति क्या बोलेंगे सेंसिटिव को, संवेदनशीलता, जागरूकता, सही बात है, संवेदनशील होना, है ना। कई बार लोग इतना इनसेंसिटिव बिहेवियर करते हैं, इतना इनसेंसिटिव बिहेवियर करते हैं कि लिटरली उनको पूछते हैं तुमको किसने सिखाया भाई भक्ति, हमारा नाम और खराब करेंगे वो। अगर ऐसा डोंट बिहेव इनसेंसिटिवली, सेंसिटिव रहिए व्यक्ति किस स्थिति में है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं इसका, चैतन्य महाप्रभु का हिमसेल्फ। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया, आप सोचिए 24 साल की उनकी उम्र थी, और उनकी पत्नी बोलते हैं लक्ष्मी समान, स्वयं कृष्णा है तो लक्ष्मी होगी उनकी पत्नी, और अकेली माँ घर में, माँ और पत्नी दो, मतलब दो लेडीज हैं और खाली एक ही पुरुष, क्योंकि उनके पिताजी चल बसे थे। और ये चैतन्य महाप्रभु ने ऑफकोर्स वो तो महाप्रभु तो सिखाने आए थे भक्ति, वैराग्य विद्या नीचे भक्ति योगम शिक्षार्थम, अपने खुद के एग्जाम्पल से वैराग्य सिखाया लोगों को। वही चेतन महाप्रभु जब उनका इतने सुंदर केस थे, आप हम जब मायापुर गए थे तो उससे आगे रेलवे स्टेशन जाता है, कटवा करके स्थान आता है, वहां पर उनके केस काटे गए थे। चेतन का मैंने वर्णन है कि जब वो जो नाई था जो केस काट रहा था महाप्रभु के, उसके हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो रोने लग गया, बोला कि इतना बड़ा अपराध मुझसे हो रहा है कि मैं इसका कभी जिंदगी में भर नहीं पाऊंगा, इस पाप का जो मैं भागीदारी हूं। उसके हाथ जम गए थे, कट गए थे, ऐसा वर्णन है ना, उसमें सब लोग रो रहे हैं कि मतलब महापुरुष संन्यास क्यों ले रहे हैं, भयंकर रो रहे हैं। और इनकी माँ को पता नहीं, इनकी माँ को ये बताया नहीं, ये बस चले गए और तुरंत संन्यास लेकर के
अपने माँ के सामने सीधा ये जो है वो सैफरन कपड़ा और उसमें अपना पूरा शेवन हड़ो करके आए। अब क्या बीता हुआ उसको सोचिए, अब तो ले लिया संन्यास। तो माँ मतलब सची माता जो थी उनकी माँ इतना प्रेम मतलब माँ का था, अपने हाथों से बना के खिलाती थी वो उसको चैतन्य महाप्रभु को। तो जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो माँ को कैसे दिखाए वो, माँ तो उस समय तो लगभग बेहोश ही हो गई, उसको तो कुछ सुध बुध नहीं रहा, क्या हो क्या गया ये जीवन में इतना बड़ा मतलब उस समय संन्यास भी डेड है, ऐसी डेड यू आर सिविली डेड। और संन्यास मतलब आप अपनी पत्नी का तो चेहरा नहीं देख सकते, और उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग था उस समय बंगाल में खास करके। तो जब सची माता के सामने आए तो माँ ने कहा बेटा देख अब तो तू ये कर लिया, तू संन्यास ले लिया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो मतलब मेरा तो कुछ बचा नहीं अब जो भी है, लेकिन मेरा खाली इतना निवेदन है कि तू मेरे पास रहना, मतलब तू इतना ही डिस्टेंस पर रहना कि मैं तुझसे मिल पाऊं। तो महाप्रभु ने कहा माँ चिंता मत कर, मैं दो उन्होंने चीज मांगा, एक तो तू मेरे पास रहना और दूसरा मेरे हाथ से तू भोजन खाना, क्योंकि सची माता बहुत सुंदर कुकिंग करती थी। तो महाप्रभु ने उनको वादा किया माँ मैं कसम खाता हूं मैं तेरे पास में रहूंगा और मैं हर दिन तू जब बनाएगी और मुझे याद करेगी मैं तेरे हाथ से आके खाना खाऊंगा, हाथ से आके खाऊंगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चूज किए, क्योंकि उसी स्थान में रहते, जिस जिस विलेज में आपका घर है उस प्रांत में आप नहीं रह सकते संन्यास लेने के बाद। तो बंगाल में इन महाप्रभु का घर था ये मायापुर में, तो वहां छोड़ करके महाप्रभु जगन्नाथपुरी को चूज किए। क्यों? क्योंकि हर साल बंगाल से लोग पुरी आते थे रथ यात्रा पे, 4 महीना रुकते थे वहां पर, तो सची माता भी जाती थी उनके साथ महाप्रभु को देखने के लिए खाली। और महाप्रभु हर दिन जैसी भोग बनाती थी सची माता, महाप्रभु स्वयं प्रकट होकर खाते थे उनके हाथ से। 3 घर था जहां महाप्रभु हर दिन एट द सेम टाइम प्रसाद लेते थे, सची माता, राघव पंडित और एक जन याद है बताऊंगा। तो ये 3 स्थान पे महाप्रभु हर दिन भोजन खाते थे। तो अभी क्या हुआ, जब संन्यास ले लिया तो पता है महाप्रभु ने कैसे डील किया, माँ क्या बोला सची माता को, माँ तू तो जानती है मैं पागल हूं, मैं तो बचपन से ऐसा ही हूं, और मैंने ये पागलपंती में ले लिया संन्यास, अभी तू बोलेगी तो मैं छोड़ देता हूं, ऐसा बोल रहा है, हालांकि करने वाले नहीं है वो, लेकिन क्या बोल रहे हैं, अभी तू बोलेगी ना तो मैं वापस छोड़ दे रहा हूँ संन्यास को। तब उनकी माँ कहती नहीं नहीं बेटा, इससे तो समाज हमारे परिवार में बहुत बड़ा लांछन आ जाएगा कि देखो ये संन्यास लेकर के वापस आ गया। तो जो लोग संन्यास लेकर के वापस से मतलब विवाहित जीवन में जाते हैं तो उनको वानतासी कहा जाता है, वानतासी मतलब आपने वॉमिट किया उल्टी किया वापस उखा रहे हो, ये शब्द यूज किया गया है। संन्यास संन्यास ब्रह्मचर्य नहीं, अभी हम ब्रह्मचर्य फॉलो करें, संन्यास मतलब 50 साल के बाद वो जो डंडा पकड़ते हो लोग, तो ये शास्त्र में कहा गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माँ को कहेगी तो मैं अभी वापस आ जाता हूँ घर में, तब उसकी माँ कहती नहीं नहीं बेटा ये मत कर। फिर उन्होंने 2 कंडीशन मांगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु अगर आपको डीलिंग्स पढ़ना है या सीखना है चैतन्य चिंतामणि पढ़िए, अपनी माँ से कैसे डील कर रहे हैं महाप्रभु, कितना फाइन कितना रिफाइन डीलिंग्स है वो। तो कई बार क्या होता है हम लोग भक्ति में आकर के खास करके हमारा पहला एनकाउंटर पेरेंट्स के साथ होता है ना, तो जब हमारे व्यवहार में हमारे बहुत कट्टरपंथी या रूढ़ी रूढ़िदावादी ऐसी बात आ जाती ना, तो माँ बाप खुश नहीं होते उससे, वो सोचते हैं मेरा बेटा पहले ही ठीक था, ये पहले ही अच्छा था। देखिए आपकी भक्ति को लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपके भक्त बनने के बाद आपके व्यवहार में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जब भी लोग आपके भक्ति को स्वीकार करेंगे, याद रखिए वो फिलॉसफी नहीं जानते हैं, आप कितना ही श्लोक कोट कर लो गीता से भागवतम से, कितना ही श्लोक कोट कर लो, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, उनके लिए तो एक ही चीज भक्ति है, क्या आपका व्यवहार। समझ रहे मेरी बात, देखिए बाहरी दुनिया के लिए कृष्णा कोई नहीं है, आपके लिए भले ही कृष्णा बड़े ही श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले प्रेम, अरे कृष्ण प्रेम चाहिए हमें, हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमें तो ठोक ठोक के सुनाया गया, बैठाया गया, सब लेक्चर प्रसाद खिलाया गया, सब कुछ किया गया है, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति है उसके लिए कृष्णा कुछ नहीं है। उसके लिए कई बार मैं हम लोग जब ऐसे कीर्तन में जाते हैं रोड में या किसी गीता बांटते हैं, तो जब लोग ऐसा रिएक्शन देते हैं नहीं चाहिए तुम्हारी गीता, क्या ये हल्ला कर रहे हो कीर्तन करे कर रहे हो, मेरे को बहुत टेस्ट लगा यार तुम कृष्ण के बारे में ऐसा बोल रहे, बोले तुमको क्या
फिर मैं सोचता हूँ भाई इसको ट्रेनिंग नहीं मिला है, हम लोग तो इस्कॉन में बहुत साल से हैं, इसको हो सकता है 5 साल बाद ये भी वैसा भक्त बन जाएगा, और हो भी जाता है। वही व्यक्ति जो गीता ले लेता है फिर वो भक्त बन जाता है, तो उसके भावना चेंज हो जाती है। तो जब भी आप कोई ऐसे नॉन डिवोशनल व्यक्ति से इंटरेक्ट करना है, पहले मन में अपने परसेप्शन लाइए, ये व्यक्ति एक अनट्रेन्ड व्यक्ति है जिसको कृष्णा के बारे में कुछ नहीं पता। इसके लिए कृष्णा क्या है, मेरा अच्छा व्यवहार। ये कृष्णा को मेरे व्यवहार में देखेगा। अगर मैं इससे प्रेम से व्यवहार कर लूंगा तो ये समझ जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं सुन रहा था, एक हमारा डिवोटी कार लेकर के अपने घर से निकला, तो जैसे ही वो निकला तो जटैक से एक दूसरी कार आई और जस्ट कार जो है टच होते थे रह गई। ठीक है, तो अभी आपको पता हो कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी डिवोटी अपने घर से निकला है, ये क्लियर सीधे आ रही थी, है ना। तो वो कांच नीचे किया, एडियोटी भी कांच नीचे किया, तो जैसी कांच नीचे किया उसका तो आंख बड़ा बड़ा हो गया, अगर गुस्से देखने लगा, ये हमारा डीओटी ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे नीचे से कर दिया, ऐसे हाथ जोड़ करके सीधा से नीचे, जब ये सिर ऊपर किया वो गाड़ी आगे जा चुकी थी। खाली इतना ही किया, मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, कुछ भी हो जाए चाहे पुलिस ही पकड़ ले आपको, सिंपली यही करना है, माफ कीजिए। कई बार हमारे 100-200 पैसे बच गए, गलती हमारी है पता है हमको, लेकिन हाथ जोड़ करके विनम्रता से माफ कीजिए गलती होगी। आप खाली इतना जेस्चर कर देंगे ना, सामने वाला व्यक्ति आपको पिटने वाला भी होगा तो भी आप बच जाओगे, और खासकर आप धोती कुर्ता में तिलक में हो तो और बोलेगा अरे भक्त है ये। और वहीं पर अगर आप भाई अरे तू क्या, तू शेर तो मैं सवा शेर, अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे वो और आपको तो गाली देगा ही देगा, पूरे संस्था गाली देगा, यही सिखाते तुमको, यही तुम्हारे है। तो कई बार हमसे ऐसा गलती हो जाता है, लेकिन तो ये है व्यवहार। तो ये चीज याद रखिए, एक नॉन डिवोटी के लिए, खासकर आपके परिवार वालों के लिए, आपका व्यवहार उनके लिए कृष्णा है, कृष्णा आपके व्यवहार में उतर के उनके लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए सेंसिटिव रहिए कहां पर हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो कई बार इनिशियल दिनों में जब हम भी क्रोध करते थे तो हमारे घर में बोलते थे गुस्सा का कंट्रोल हो नहीं रहा है, भक्ति करेगा ये, ऐसा बोलते हैं, सब ऐसे बोलते हैं, देखो इतना गुस्सा भरा पड़ा है, क्या क्या मिला तुमको भक्ति करके, हाँ क्या हुआ। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेंसिटिव। अभी और एक एग्जांपल, और एक पॉइंट इसमें आ रहा है, डीलिंग फैमिली मेंबर्स बीइंग अवेलेबल फॉर पीपल, लोगों के लिए उपस्थित रहिए जब उनको दरकार है। तो कई बार क्या होता है, हम अपने ही शेड्यूल में इतने ज्यादा व्यस्त है, इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि दूसरों के लिए टाइम नहीं अपने पास। अभी खासकर देखो भक्ति करने वाले, आप देखो कि लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, खासकर जो 16 माला कर रहे हैं, है ना, 2 घंटा तो 16 माला ले जा रहा है, फिर आधा घंटा आप प्रभात बुक्स पढ़ते हो, कभी मंदिर आ गए, तो लाइफ बहुत बिजी चलती है। तो इस बिजी लाइफ में क्या होता है, हमें जो हमारे कर्तव्य बद, जो हमारे ड्यूटी है हमारे फैमिली मेंबर्स के प्रति, वो हम नहीं कर पाते पूरा, हम टाइम नहीं दे पाते लोगों को, है ना। मुझे एक एग्जांपल इसका याद आया, आई डोंट नो हाउ मच यू बिफिटिंग, व्यास देव का। तो व्यास देव किसके पुत्र है पता है आपको, पराशर मुनि और सत्यवती, सत्यवती के पुत्र हैं। तो जैसे ही व्यास देव जन्म, वो तो महान पुरुष है, वो तो जाने लगे हिमालय की तरफ, तो सत्यदेव पूछा बेटा अभी अभी यहाँ पर तो कोई वो नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, संतनु महाराज भी जा चुके होते। तो व्यास देव उनको कहते हैं सत्यवती को, जन्म लेते ही माँ जब भी तुझे मेरी दरकार पड़ेगी मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा, जब भी माँ मैं अभी तो जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, जिस दिन तुझे मेरी याद पड़ी बस याद करना, पहुंच जाऊंगा वहां पर। तो जब ये अंबा अंबिका अंबालिका उनकी 3 बहुएं जो थी, तो उसकी मृत्यु हो गई थी पांडु की, और नहीं पांडु नहीं, वो तो उनके बेटे थे, हाँ विचित्र भी गया। तो उनकी जब मृत्यु जाती है, उनकी पत्नियां थी वो तीनों, तभी कोई नहीं है वंश को आगे बढ़ाने के लिए, तब वो याद करती सत्यवती कि अरे मेरा एक बेटा है, हाँ कौन है, व्यास देव है। जैसे याद करती हो तुरंत हाजिर हो जाते हैं, बोलिए माँ क्या करना है, क्या करना है। तो ऑफकोर्स ये एग्जाम्पल एक बहुत एब्सर्ड मतलब हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं, माय पॉइंट क्या बता रहा हूं, व्हेन पीपल नीड यू बी अवेलेबल, जब लोगों को आपकी दरकार है तब आप रहिए। हमें अपने समय से लोगों को वो नहीं करना चाहिए कि ठीक है मेरे पास अभी शाम 5 टाइम है, इसमें आना तो आ जाओ,
नहीं तो और व्यवस्था ही नहीं है. नो दिस इज नॉट करेक्ट स्पेशली व्हेन डिवोटीज. जैसे खासकर मेरे पर्सनल लाइफ में क्या होता है, जब मैं घर जाता हूँ, अभी देखिए हमारा शेड्यूल क्या है, हम रात को 9-10 बजे सो जाते हैं, सुबह 3:30 पे उठते हैं. अभी घर जाते हैं तो घर में सब लोग सोते कितने बजे, 12-1 ऐसा. तो इतनी डिफिकल्टी होती है, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनके लिए अवेलेबल रहूं. तो मैं भी 12-1 बजे जगते रहता हूँ रात को, और फिर मैं सुबह का शेड्यूल एडजस्ट करता हूँ. वहां पर ऐसा नहीं कि मैं सुबह 3:30 बजे उठकर क्या रिक्शा शुरू हो गया, क्योंकि मुझे अब रेस्ट भी चाहिए. तो अगर रात को लेट हो रहा है तो सुबह थोड़ा एडजस्ट कर लेते, ताकि आपको अपना 16 माला सब कुछ करना है, बट हमें उनको समय देना है. ये बहुत जरूरी है. देखिए खाली आप एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल भी है ना, खाली आप उसके लिए मौजूद है उस स्थान पर, वही काफी है, वही काफी है. देखिए आज मुझे मेरे फैमिली से बहुत सपोर्ट है भक्ति में, बहुत, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ऐसे कोई भी चीज नीड हो, कोई भी हो. अभी 2 दिन पहले ही शायद आपने फोटोज देखा होगा, ग्रुप में आया था, मेरे घर में राधे शंपू आए थे. तो मतलब वो पुणे के वाइस, वो पुणे के प्रेसिडेंट है, एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है इस्कॉन में. तो प्रभु जी का राउरकेला आना हुआ था मेरे स्थान पे, तो मैं उनको घर इन्वाइट किया था. तो ऑलमोस्ट 40 जन थे प्रोग्राम में. आप बिलीव नहीं करोगे वो प्रोग्राम, हालांकि वो मेरा ही इनिशिएटिव था प्रोग्राम का, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स जो कि ज्वाइंट फैमिली है, उन्होंने इतना मेहनत करके उस प्रोग्राम को बनाया, पूरा ऑल्टर बनाया, पूरा पूरा घर को सफाई करा दिया, उनका वेलकम इतना सुंदर से हुआ, रोज पेटल से उनका बिखेर के स्वागत किया, रंगोली बनाई गई, पूरा सारे घर वाले लग गया उस एक प्रोग्राम को सक्सेस करने में. प्रभु जी देख करके इतना ज्यादा खुश हो गया, बोले क्या प्रोग्राम किया आप लोगों ने. अभी मेरे अकेले ही बस का थोड़ी थी, मुझे थोड़ी रंगोली बनाता है या मुझे थोड़ी ऐसा ऑल्टर ऑल्टर, लेकिन दे डिड इट. व्हाई दे डिड इट? फॉर माय प्लेजर, फॉर देम. उनको उनको ये नहीं था कि राधे, अब उनके लिए राधे श्याम पता भी नहीं कौन है ये व्यक्ति, बट क्योंकि मैंने बोला कि प्रभु जी बहुत मान है, मुझे खुश करना है इनको, तो वो मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं. अब क्यों कर रहे हैं वो? बिकॉज दे लव मी, दैट्स बात है. तो जब वो मेरे खुशी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी उनको उतना रेसिप्रोकेट करूं. तो आई मेक श्योर कि जब भी उनको दरकार है मेरी, आई एम अवेलेबल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. इवन आफ्टर ज्वाइनिंग आश्रम भी मैं मेरी सिस्टर को एग्जाम देने तक भी गया हूँ. उनका जब एग्जाम होता था कोई, जब व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएम एंड ऑल दिस, तो मैं पर्सनल जाता था उनके साथ कि आपने आप एग्जाम दो, क्योंकि एक व्यक्ति रहने से उनको बहुत हौसला रहता है कि हाँ भाई ये मेरे साथ अवेलेबल है, चाहे वो मेरे ब्रदर का कोई इशू हो, चाहे कोई भी चीज में हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. इसीलिए जब आप अपने आप को अवेलेबल करते हो किसी व्यक्ति के लिए, तो वो व्यक्ति आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड फिर आपके भावना को सम्मान करेगा. देन दैट पर्सन विल गिव यू टाइम, ठीक है, तब आपकी भक्ति को कभी वो क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना. बट आप अगर उनके लिए समय नहीं निकाल रहे हो, और आप अपने भक्ति में, हाँ कृष्णा देख लेंगे इनको, मैं कृष्णा भक्ति कर रहा हूँ, भगवान इनको देख लेंगे. नो, दिस इज नॉट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. भगवान तो देखेंगे, लेकिन आपका ड्यूटी का क्या? तो समटाइम्स हम क्या होता है, हम अपने लाइफ में इतनी बिजी हैं, हम लोगों को समय देना चाहते, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. और होता क्या, भक्ति में आने के बाद ये सब लगता है ये दिस वेस्ट ऑफ टाइम. अव्यक्त कालत्व होना चाहिए, भक्त का एक सेकंड भी बिना कृष्णा को रिमेम्बर किए जाना चाहिए. तो आप कभी के साथ बैठे हो और वो फिर वो तो प्रजल्पा करेगा कुछ, तो अपने ऐसी लोकल बातें करेंगे, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अरे ये तो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, ये तो माया है, ये तो प्रजल्पा है. बट दिस इज इनसेंसिटिव बिहेवियर अगेन. हालांकि आपको आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ करके भले वो उल्टी सीधी बातें करा, जो भी करा है, जस्ट सिट डाउन और सुनो उसको, खाली सुन लो उसको बैठ करके. 50% या 75% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी. ओके, जस्ट यू हैव टू बी गुड लिसनर. तो कई बार इस्कॉन में आने के बाद मैं देखा हूँ लोग बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, दकादड़ बोलते हैं, कुछ भी टॉपिक बोलो उनको, खाली देखो 1 घंटा लेक्चर दे देंगे लोग, बट दे आर नॉट गुड लिसनर्स. समटाइम्स वी आर नॉट गुड लिसनर. इसलिए सबसे पहले क्या है, बैठ के सुनिए अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है उसके मन में, क्या चल रहा है, जस्ट हियर, सुनिए बैठ के, आप देखिए कितना आपके परिवार में चेंज आ जाएगा. और वो व्यक्ति आपको ही बनना पड़ेगा. अभी मान लीजिए आपके फैमिली में 4-5 मेंबर 6 मेंबर है, यू शुड बी द वन हु शुड बी लाइक दिस. तो अभी मैं भी ऐसा ही बन गया मेरे फैमिली में. मेरे फैमिली में 15 मेंबर है, तो व्हेन आई गो तो मैं हर एक व्यक्ति के साथ आके 15-15 मिनट टाइम स्पेंड करता हूँ, और हर एक व्यक्ति अपना डंप करता है मेरे अंदर. तो जब मेरा वर्क का फटता है तो मैं बहुत ज्यादा, तो मैं वहां से फिर मंदिर आ जाता हूँ वापस, अरे भैया हो गया मेरा, इतना ही समय ठीक था, तो 3-4 दिन बस काफी है. बट बिकॉज आई लिसन टू देम, then they become, you know, they become so grateful, and then they accept my bhakti very nicely. कह रहे चल अच्छा है, at least ये भक्ति कर रहा है, इसमें एक अच्छा गुण क्या, सुनता है हमारी बात को, ये गुण तो आ रहा है.
ऐसा लोग फील करेंगे, तो इसलिए क्या है, वी हैव टू बी अवेलेबल फॉर देम। एंड थर्ड थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता रहा हूं, देखिए हमारी भक्ति को लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो देखेंगे कि आप भक्ति माने के बाद बहुत खुश हैं, आप जेन्युइनली खुश हैं, है ना। तो एक्चुअली देखिए, भक्ति लोगों सिखाने के बात नहीं है, मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। सुना आपने, मोर थिंग्स आर कॉट। लोग आपके व्यवहार को, आपके आपके चेहरे की मुस्कान को, आपके हैप्पीनेस को देख के सीखते हैं, है ना। वो ज्यादा उनको बताने का, आप बोलोगे चैंट हरे कृष्ण, बी हैप्पी, बी हैप्पी। मेरे को एक डिवोटी, एक ऐसा डिवोटी मुझे डांट रहा था एक दिन, वो मतलब कुछ मीटिंग चला था, मीटिंग के बाद तो ऐसे में उनसे मिलने गया, तो मैं थोड़ा सा टेंस में था मुंह में, बोले व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज सो पीसफुल मेथड, सच अ पीसफुल प्रोसेस। मतलब प्रो जी, यू आर नॉट हैप्पी, हाउ कैन आई बी हैप्पी। मेरे मन में ये फीलिंग आई, मैं बोला आप मुझसे ज्यादा साल से भक्ति कर रहे हो, लेकिन आपके चेहरे में इतना गुस्सा, इतना वो है, और आप एक्सपेक्ट करो कि मैं खुश रहूं, ये तो पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे लोगों से, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये काम नहीं करेगा। तो आप जब जेन्युइनली खुश हो, तो वो व्यक्ति सोचने लग जाएगा यार, देख ये एक व्यक्ति है, इसकी एक आइडियोलॉजी है, ये कृष्णा को मान रहा है, चल मेरी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन हम दोनों में खुश कौन है। अगर वो जनरली उसको एनालाइज करेगा, वो देखेगा कि ज्यादा खुश है, उस दिन वो आपसे आके पूछेगा, भाई तू इतना खुश कैसे रहता है। ये बात मुझसे कई लोग पूछ चुके, मैंने इवन जब टेंपल में कुछ लोग आते हैं, तो जो हम लोग को देखते हैं नाच रहे, कूद रहे, गा रहे, सब कर रहे, तो लोग पूछते हैं, भाई आप इतने खुश कैसे हो, हाँ हमारे तो बैंड बजर की है दुनिया में, हाँ आप इतने खुश कैसे हो। तो जब आप जेन्युइनली लोगों को हैप्पीनेस दिखाओगे, क्या भाई नहीं ये सच में प्रोसेस वर्क करता है, तब उनको विश्वास होगा जो कर रहा है सही कर रहा है, ये चैंटिंग करता है बोल के खुश है, तो एक ना एक दिन वो भी पकड़ेगा। और अगर आप घर में ऐसा माहौल बना के रखे हो, आके आप अपने आप को पेश करो कि मुझसे गया गुजरा दुनिया में इसको इंसान नहीं है, मतलब आई एम द मोस्ट यू नो डिप्रेस्ड फेलो इन दिस होल वर्ल्ड, तो बोलेंगे देख ये जो था पहले और अभी भक्ति में आने पर ऐसा हो गया, इसका पूरा माइंड ऐसा हो गया, दे स्टार्ट थिंकिंग। इनफैक्ट समटाइम्स जब हम हैप्पी नहीं भी हैं, स्टिल सो दैट यू आर हैप्पी फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। कभी कभी क्या होता है ना, एंथुजियाज्म में अगर आप नहीं भी एंथुजियास्टिक, जस्ट सो दैट यू आर एंथुजियास्टिक, आप देखोगे अपने आप एंथुजियाज्म आ जाएगा। आपको एक एग्जांपल सीधा देता हूँ, अभी संडे में सुबह लोग डांस के लिए आते हैं, तो मैं लास्ट टाइम बता रहा था, कई लोग जो है छुपके से पीछे खड़े हो जाते, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ऐसा स्टेप करूंगा सब सारा इनका फॉर्मेशन बिगड़ जाएगा, उसको डांस करना आता नहीं है। लेकिन कई बार मैंने देखा है खाली उसको एक व्यक्ति खींचने की देरी है उस ग्रुप सर्कल में, फिर तो ऐसा नाचता है बस आप यकीन नहीं मानोगे कितना नाचता है वो। एक बार उसका एंथुसिएज्म ट्रिगर होने का देरी है, फिर वो ऐसा मतलब एक डेढ़ घंटा पूरा पागलों का नाचेगा, नाचता है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि एंथुसिएज्म क्रिएट्स एंथुसिएज्म। आपका उत्साह दूसरे को उत्साह देगा, है ना। इसलिए भले आप उत्साहित नहीं हो, बट एक्ट एज इफ यू आर उत्साहित, एज इफ यू आर एंथुसिएस्टिक। आप सच में करके देखिए जी, ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि कंटेजियस है। हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति के संदर्भ में कहते हैं उत्साह निश्चयाध्याय, सबसे पहला वो बता रहे भक्ति का फ्लेवर चीज उत्साह। बी एंथुसिएस्टिक, कुछ भी कर रहे हैं भक्ति में, कुछ भी आप मंदिर के दर्शन करने आ रहे, उत्साह से आइए घर से, अरे मैं मंदिर जा रहा हूँ दर्शन के लिए। आप माला लेके बैठ रहे हैं, अरे अभी मैं नाम जप करने वाला हूँ, अरे मैं भागवतम पढ़ने वाला हूँ। आपको हमेशा भक्ति को अपने टेंशन रिलीफ का वो मशीन ही बनाना चाहिए। चल यार बहुत टेंशन हो गया, माला पकड़ो, अरे बहुत बहुत कुछ तो बात हो गया, चलो आप भागवतम पढ़ते हैं, चलो अरे घर में झगड़ा हो रहा है, चलो मंदिर चलो। आप अगर हमेशा एक भक्ति को एक एक्सक्यूज बना के छोड़ोगे कि आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी तभी आप भक्ति को यूज करोगे, यूज किया थोड़ा मन शांत हो गया, अब वापस लगे इसमें लग गया, नो दिस इज नॉट भक्ति। ये भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति मीन्स इवन भक्ति का जैसे आपके अंदर वो फीलिंग आने लगा, यू आर सो एंथुसियास्टिक टू परफॉर्म इट कि सामने लोग बोले यार ये आदमी को क्या हो गया, अरे मंदिर जाने के नाम से इतना खुशी है, मैं तो कभी जिंदगी में आज तक सोचा नहीं ऐसा। आप देखिए वो भी बोला चल यार मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो इसीलिए वी हैव टू शो पीपल दैट वी आर रियली हैप्पी, है ना। तो कई बार जैसे प्रभुपाद ने स्लोगन दिया, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी,
तो कई लोग जो 10 साल 15 साल माला करने बाद बोलते हैं यार प्रभुपाद जी ने एक बार तो सही बोली चैंट हरे कृष्णा, सेकंड लाइन शायद सही नहीं बोला, बी हैप्पी, वेर एम आई हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, तो यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली, क्योंकि आप उस चीज को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो। एक्चुअली ये प्रभुपाद जी के शब्द है, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पीनेस इन भक्ति, अगर आप भक्ति में सुख नहीं प्राप्त कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो उसको, क्योंकि भक्ति करते ही आपको सुख प्राप्त होगा, सुभदा, ये भक्ति का सिम्टम है। कोई भी भक्ति के पाथ को फॉलो कर रहा है he has to be happy, उसको सुख मिलना ही है क्योंकि वो कृष्ण के संपर्क में। अभी कृष्ण के संदर्भ में कहा जाता है शास्त्र में, यदि भगवान चाहे कि मैं थोड़ा दुखी हो जाऊं वो नहीं हो सकते। जैसे सूर्य अगर चाहे कि मैं ऐसे स्थान में चले जाऊं जहां अंधेरा हो, पॉसिबल है? जैसे सूर्य कभी अंधकार नहीं देख सकता, उस प्रकार कृष्ण कभी दुख नहीं देख सकते। आप बोलोगे गजब है, तो ऐसा ही है, क्योंकि उनका शरीर ही आनंद चिन्मय प्रतिभाविता भी, आनंद से भरा पड़ा है उनका शरीर, और जो भी उसके संपर्क में आता है वो आनंद प्राप्त कर लेता है, जो भी संपर्क में आएगा। तो दैट्स व्हाई अगर आपको अपने फैमिली मेंबर्स को कृष्ण और आकर्षित करना है भक्ति की ओर, एक्चुअली शो देम दैट हाउ हैप्पी यू आर आफ्टर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, देन दे विल बिकम वेरी फेवरेबल। ओके, नाउ एक और कुछ पॉइंट्स में है, बट एनी हाउ चलो इफ इट रिमेंस हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए एक और बात जो सबसे बड़ा विवाद का इश्यू बनता है फैमिली मेंबर्स में, खासकर इंडियन फैमिली मेंबर्स में, वो है वर्शिपिंग डेमीगॉड्स। तो क्या होता है, अभी आप कृष्ण के भक्त हो और आपके घर में कोई शिव जी का भक्त है, कोई दुर्गा का भक्त है, कोई गणेश का भक्त है ना, तो मेरा तो एक बार झगड़ा हो गया था इसी घर में, मैंने गुस्से में क्या किया, सारी फोटो डाली, राइट, खड़ा हो गया इसको ये टेम्पल हॉल से जो हमारा वॉल्टर था, और जा करके राधा कृष्ण और गोंडिता को लगा दिया ऐसे करके, है ना। तो फिर थोड़ा भैंस वस हुआ थोड़ा हुआ, लेकिन वो मान गया ठीक है, तो ऊपर वो तो हमारा सेटलमेंट हुआ कि ऊपर मेरे भगवान रहेंगे नीचे तुम्हारे रहेंगे, ऐसा। तो दो टोकन बनाया गया, उसमें ऊपर सारे जो हमारे ऑल्टर के फोटोज है और नीचे जो जिनका जो रखना रख लो भाई, है ना, ऐसा कर दिया गया। तो क्या होता है, कभी भी किसी दूसरे के सेंटीमेंट्स को हर्ट मत कीजिए, या ये विवाद मत कीजिए कि कौन बड़ा, शिव बड़ा कृष्ण बड़ा, इन दोनों में कोई विवाद नहीं है। देखिए कृष्ण और शिव जी में कोई विवाद नहीं है, विवाद उनके भक्तों में, ये लड़के मर लेंगे, शिव जी और कृष्ण जी आराम से अपना बढ़िया रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो इसीलिए जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान मैच है ना, तो इंडिया हारा चाहे जीता पैसा तो मिल गया प्लेयर्स को, हाँ यहाँ टीवी फूट गए, झगड़ा कर लिया एक दूसरे से, नुकसान हमारा, बेवकूफी है ये पूरा, है कि नहीं है। तो इसीलिए आपके घर में यदि कोई दूसरे वर्शिपर हैं किसी और डेमीगॉड या कोई भी व्यक्ति के, पहली बात तो कभी भी उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट मत कीजिए। क्यों, इसका प्रमाण स्वयं कृष्ण बोलते भगवद गीता में कि जो फेथ आपको मुझको वर्शिप करने में आ रहा है आपके हृदय में, वही फेथ मैं उस व्यक्ति को दे रहा हूं कि तुम इस पर्टिकुलर डेमीगॉड को वर्शिप करो। समझ रहे हो, मतलब अभी आपके घर में कोई व्यक्ति जो शिव जी की भक्ति कर रहा है, तो ये समझिए कि उसको शिव जी की भक्ति करने का जो फेथ है, जो डिटर्मिनेशन है, वो कृष्णा ही दे रहा है। और एक दिन आएगा जिस दिन वही कृष्णा उसको वो फेथ देंगे कि भाई तू मेरी भक्ति कर, समझे। तो सब करने वाले कृष्णा ही है, तो इसीलिए कभी भी उनसे इस बात में विवाद मत कीजिए। क्यों, इससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। क्या होता है, एक व्यक्ति अपना फेथ को लगा करके किसी अन्य देव देवताओं को पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, और आप एक बार में उसके विश्वास को तोड़ देते हो, ये सब बकवास है। आप सीधा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है, बाकी सब ये सब बेकार है वर्षी। तो आप डायरेक्टली उसके इतने साल की तपस्या, इतने साल का पूजा पाठ को आप एक बार में जीरो कर दे रहे हो, तो वो व्यक्ति कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप कृष्ण के प्रति उसके मन में और हेट्रेड डाल रहे हो, अरे कृष्ण भक्त कट्टरवादी है ये मैं नहीं कभी करूंगा भक्ति, ऐसा भक्ति, तो इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सी एक बात याद रखिए, वी शुड लव आवर फैमिली मेंबर्स बट वी शुड लव कृष्ण मोर। ठीक है, आपका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो आपके परिवार से ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनका जो प्रेम है उनके डेमोग्राफी के प्रति वो आपसे ज्यादा है कि नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है। We don't know about that.
वी डोंट नो. तो इसीलिए कई बार वो जैसे आप कृष्णा के लिए उनको छोड़ सकते हो, वो अपने देवता के लिए आपको भी छोड़ सकते हैं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई. एक तरफ से थोड़ी तीर्थ वो चलेगा, उसके तरफ से भी तो वो भी उतना ही वैलिड है अपने भक्ति में जितना हम वैलिड है अपने भक्ति में. तो जितना हम कन्विंस्ड है कृष्णा भगवान है, उतना वो भी कन्विंस्ड है कि शिव जी भगवान है, समझ रहे आप. तो इसीलिए कभी भी उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट मत कीजिए, एक समझौता पे आइए और दोनों के त्यौहार को अच्छे से मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. समटाइम कृष्णा ड्यूटी ऑल्सो, अगर उनका त्यौहार है तो इवन भरत महाराज भी, वो जब बोलते हैं जब अग्नि में आहुति देते थे तो वो हर एक देवता को भगवान के अन्य अंग समझ करके आहुति देते थे. जैसे इंद्र को भगवान के आंख मान करके, या सूर्य को सॉरी आंख मान करके, इंद्र को उनके बाहें बुझाएं मान करके, ऐसे भगवान को याद करके आहुति दे रहे थे. तो अगर आप अन्य देवता की उपासना कर रहे हैं तो आप ये समझिए मैं वही कृष्ण को वर्शिप कर रहा हूं, लेकिन इस फॉर्म में वर्शिप कर रहा हूं मैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनका ही रूप है ना. तो दिस इज पॉइंट. अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज में, ये तो मैंने आपको नेगेटिव साइड बताया, अब एक और जो नेक्स्ट एंड है वो ये है कि वी हैव टू बी अफेक्शनेट टू आवर फैमिली मेंबर्स बट नॉट अटैच्ड. इसमें डिफरेंस है, डोंट बी अटैच्ड टू देम. ठीक है, अटैचमेंट और अफेक्शन में अंतर है. क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूं. भरत महाराज श्रीमद भागवतम के पांचवें स्कंद में एक बहुत सुंदर ये प्रसंग है, आप लोगों ने कहीं ने सुना होगा. तो उनके विषय में कहा गया है एक श्लोक में, यो दुष्टजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशा जहति युवेव मलवत. उत्तम श्लोक लालसा. ये भरत महाराज ने उत्तम श्लोक, मतलब उत्तम श्लोक मतलब कृष्ण का नाम है, जिनको उत्तम श्लोकों में गाया जाता है जिनका नाम, वो है कृष्ण. उनकी लालसा, उनकी भक्ति करने के लिए ऐसे चीजों का त्याग कर दिया जो दुस्त्यज, छोड़ना बहुत मुश्किल है. क्या? दारा, दारा मतलब पत्नी, सुता, सुता मतलब बच्चे, सुहृद अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड, राज्यम, राज्य मतलब अपना राज्य, धन दौलत सब कुछ, ये सब चीज को उन्होंने क्या किया, जहो यो मलवद, मल के समान त्याग दिया. अभी कोई व्यक्ति मल त्यागता है तो वापस थोड़ी सी घूम के देखता है कि ये क्या, मैंने क्या, जस्ट गोज ऑन या फ्लश कर देते हैं उसको. ऐसा लिखा कि मल के समान उसने त्याग दिया ये सब चीज को, दारा सुता सुरुद राज्य हर एक चीज को, हृदय स्पृशा जो हृदय के सबसे निकट चीज होती है, इतनी इतनी ज्यादा अटैच होते हैं, इसको मल के समान त्याग दिया उन्होंने. अभी नेक्स्ट एपिसोड सुनिए इस भरत महाराज क्या हुआ. ये भरत महाराज जब ये सब त्याग करके फॉरेस्ट में आए और जब ये अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, एक डियर को देखा, हिरन को, और हिरन को देखा कि वो एक प्रेग्नेंट डियर जो है वो बाघ के डर से जा रही है नदी में और उसका उसके गर्भ से बच्चा नीचे गिर जाता है और वो जो हिरन है वो मर जाता है वो बच्चे को जन्म देके. अब ये सोचता है क्योंकि एक राजा था तो इसके अंदर वो अभी तक गया नहीं है वो भावना, अरे ये मतलब मेरा मेरा जिम्मेदारी है कि मैं इस राज इस हिरन को संभालू. तो इस हिरन को उठा के ले आते हैं. अभी इनके पार्ट में अच्छा था, इन्होंने अफेक्शन दिखाया कि भाई चलो ये मेरा कर्तव्य है एज ए ह्यूमन बीइंग, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस हिरन को शरण दूं. लेकिन प्रॉब्लम कहां हो गई, जो व्यक्ति ये राज्य दारा सुता सुहृद सबको छोड़ के आया वो आसक्त हो गया इस हिरन पे. तो हरि से आसक्त होने आया था, हिरन पे आसक्त हो गया वो, है ना, आसक्त हो गया. अब प्रॉब्लम कहां हो गई, वो भी ठीक है चलो आसक्त हो, कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम जब हो गई जब ये अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहा था, मतलब मानो जब ये नाम जप कर रहा हो या भगवान की अर्चना कर रहा है, तब इसका मन हिरन पे जा रहा है. तो जो हिरन का अटैचमेंट है वो इसके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को खत्म करने लगा. तो आप अगर किसी के प्रति अफेक्शनेट है, आपको किसी के प्रति लगाव है, झुकाव है, दैट इज गुड, चलेगा. बट जिस दिन वो अटैचमेंट आपके भक्ति के प्रोसेस में खलन देने लग जाए, आप समझना कि ये चीज मेरे लिए खतरनाक है, वो आपके भक्ति को नष्ट कर देगी. क्योंकि जो चीज को आप स्मरण करोगे वही चीज जो है अंतिम समय में जब हमारे मन में आएगी हमें वैसे ही शरीर धारण करना पड़ेगा. इसीलिए भरत महाराज को अंतिम समय में क्या धारण करना पड़ा, उनको एक हिरन बन के पैदा होना पड़ा, है ना.
तो दैट्स व्हाई वी टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को अफेक्शन रहना है फैमिली मेंबर से बट नॉट बीइंग अटैच्ड, क्योंकि अटैच होने से क्या होता है, फिर आप अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें कॉम्प्रोमाइज करने लग जाओगे, है ना, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अटैचमेंट। तो देखिए अभी शास्त्र ये भी कहता है कि जो भी हमारे सगे संबंधी हैं घर में, जो भी लोग हैं, नो डाउट ये लोग सब जो है ये हमारे दया के पात्र हैं, या ये हमारे कर्तव्य के हम इसके हमें इनका पालन करना है, बट एट द सेम टाइम ये सब टेम्परेरी भी हैं, ये हम परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए खासकर हाउस होल्डर जो लोग गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए क्या है, हमें अपने सभी कर्तव्य को करते हुए विदाउट अटैचमेंट हम लोगों को अपने स्पिरिचुअल ड्यूटीज में आगे बढ़ते रहना होगा। तो एक है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंडीशनल ड्यूटी, और एक है वर्टिकल जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो आपको दोनों वेक्टर को संभाल के रखना है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो अभी आपके साथ इस धरती पर है आपके सभी सगे संबंधी, और वर्टिकल मतलब भगवान की ओर। तो खाली ये करते करते अगर यही रह गए ना और ऊपर नहीं बढ़ोगे तो आपको फिर से इसी में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये करते करते हम लोग क्या बनाना है, स्पीयर बनाना है, समझ रहे हो, ये करा फिर थोड़ा ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर भी इसको संभाल ले, फिर ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ा, ऐसे करते करते जाना है ऊपर। ये एग्जाम्पल आता है शास्त्र में, बताया जाता है। तो इसलिए कभी भी अपने स्पिरिचुअल ड्यूटीज को आप और अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज को मर्ज मत होने दीजिए, मर्ज मत होने दीजिए। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप सुबह में ही अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को कंप्लीट कर लीजिए, आपको जो भी माला करना है, 16 माला पूजा पाठ जो भी करना है, ताकि देखिए बेस्ट तो यही है कि जब घर वाले उठने से पहले ही अपना सारा काम खत्म न की, उठने से पहले आप अपने सारे स्पिरिचुअल ड्यूटीज करके बैठे हो, आप देखिए एकदम बिंदास आप उनसे आपका रिलेशन हो जाए। मैं कई बार देखता हूँ हम घर वालों पर क्यों चिढ़ते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं, क्योंकि माला नहीं हुई, उसका टेंशन है सिर पे। कई बार ऐसा होता है भक्तों, मैंने देखा है चीज के कि उसकी 16 माला, मेरे साथ ही ऐसा होता है, अगर माला जिस दिन नहीं हुई है सारे डीलिंग्स बेकार होंगे एकदम, आप देखोगे, क्योंकि माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन है, अरे यार माला करनी है, माला करनी है, माला करनी है, अब ये आ गया देखो, माला करनी है, माला करनी, ये आ गया देखो, तो डीलिंग्स खराब होना ही होना है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि सुबह उठकर के अपना पहला स्पिरिचुअल ड्यूटी कंप्लीट कीजिए और फिर अपने कंडीशनल ड्यूटीज को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कंडीशनल ड्यूटी आपके स्पिरिचुअल ड्यूटी से बैकअप रहेगा ना, वो इतना क्वालिटी आएगा उसमें, आप देखोगे कि लोग भी हैरान करेंगे, यार गजब आदमी है ये, कितना मस्त व्यवहार कर रहा है, कितने अच्छे से हमारे साथ डील कर रहा है, तो इट विल वेरी गुड। नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम आने लग जाएगी उसके साथ। तो वी शुड मेक श्योर कि हमारे ड्यूटीज करते करते हमारे कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ एक एग्जाम्पल भरत महाराज का। अब आपको मैं और एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल हुआ कि एक अटैचमेंट से उस व्यक्ति ने उसका पतन हो गया, उसको डियर बनना पड़ा। अभी और एक भक्त है भगवान चैतन्य महापुरुष के, जिसका नाम शिवानंद सेठ, उनके साथ एक कुत्ता, एक डॉग अटैच होके चला। तो शिवानंद सेन उस कुत्ते को अपने साथ लेके चले, यात्रा पे जा रहे थे ये बंगाल से इधर अपना पुरी, वो कुत्ता उनके बीच में चल रहा है। अब ये भी कुत्ते को इतना इससे प्रेम करने लगे कुत्ते से कि उसको बोट पे बैठा करके उसका फेर दे करके उसको प्रास कराया, कर मतलब उसका भाड़ा दिया बोट का उसका, कुत्ता गया। तो चैतन्य महाप्रभु जब देखे शिवानंद सेन को, तो देखे वो जो कुत्ता है, वो कुत्ता को इसने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद, एक नारियल का महाप्रसाद वो खिला दिया, और सभी लोगों के सामने ये कुत्ता अपना आध्यात्मिक शरीर धारण करके भगवद्धाम प्राप्त किया। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उसको स्पर्श किए उसी समय इसका चतुर्भुज धारण करके भगवद्धाम प्राप्त किया। तो आप देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जहां पर वो डियर का स्मरण करके वो डियर बन गया, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जहां पर वो कुत्ते को एलिवेट कर दिया, तो एक का डिमोशन हो गया, एक ने एलिवेट कर दिया दूसरे को। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है एक कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी के। अगर आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग है तो आपके संपर्क में कोई भी नॉन डिवोटी भी आएगा तो आपके पावर से आप उसको एलिवेट कर दोगे, और अगर आपकी भक्ति में कमी है, कमजोरी है, आप डिग्रेड हो जाओगे, समझ रहे। तो ये आप कितनी पोटेंसी है आपके अंदर आपकी भक्ति की, ये आपको जज करना पड़ेगा। अगर आप कमजोर हैं तो ऐसे लोगों के संग मत कीजिए, और अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं तो आप अपने घर वालों को भी जो है आप ऊपर उठा सकते हो। एक्चुअली ये होता है, तो इसलिए कई मैक्सिमम मैंने देखा है, जो खासकर ब्रह्मचारी के बारे में देखा है, 90% ब्रह्मचारी के माता पिता दीक्षित भक्त बन जाते हैं, तो घर में लोग 16 माला करना शुरू कर देते हैं, लोग भक्ति करते हैं, ये स्वाभाविक है।
लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत धैर्यता से काम करना पड़ेगा। इसलिए सडनली ये सोच लेना कि अभी हम भक्त बन गए, अब घर वाले सब भक्त बन जाए, बस पूरा तो वैकुंठ हो जाएगा, वाह मजा आ जाएगा, तो लाइफ नहीं नहीं ये ऐसा मैं जल्दी नहीं होने वाला है, ये जल्दी नहीं होने वाला है। धैर्य रखिए, आपकी भक्ति को बढ़ाइए पहले अच्छे से, दूसरों के बारे मत सोचिए। उन्हीं से भी होता क्या है, हम अपनी भक्ति ज्यादा दूसरों के बारे में सुनने जाते हैं, अरे ये माला क्यों नहीं किया, खुद की माला हुई नहीं है, ये क्यों नहीं करा मेरे घर में, मेरे हस्बैंड क्यों माला नहीं कर रहे, हाँ देखो ये कर रहे ऐसा कर रहे वो एक्टिविटी कर रहे ये कर रहे, 10 बार हम सोचते रहेंगे। नो डोंट थिंक, पहले अपने भक्ति के प्रैक्टिस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि धीरे धीरे सटली आप देखोगे बाकी घर के लोग जो है भक्त बनना शुरू हो जाएंगे अपने आप को। कैसे होगा आपको समझ नहीं आएगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा उनका हार्ट आपको समझ नहीं आएगा, अरे आप कैसे बदल गए, और वो व्यक्ति भी समझा कि कैसे मैं बदल गया, क्योंकि वो आपके सानिध्य में है बट आपका भक्ति इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इनको एलिवेट कर दोगे। ठीक है, तो अभी समय जा रहा है, अब 2 टॉपिक और रह गई है ये बताना है, मैं बहुत शॉर्ट में करके खत्म करूंगा यहाँ पर, क्योंकि फैमिली मेंबर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये और बोल सकते हैं इस पर कितना कुछ सारे चीजें हैं, बट नहीं यहाँ हम रुकेंगे इसको। डीलिंग विद नॉन डिवोशनल फ्रेंड्स, ठीक है, अब मुझे पता नहीं आप लोग के कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके बहुत निकटतम है लेकिन वो नॉन डिवोटी है ना, वो भक्त नहीं है, तो इनसे भी डील करने की कला होती है। सबसे पहले कभी भी उन पर अपनी भक्ति इंपोज करने का प्रयास मत कीजिए, है ना, कभी भी अपने नॉन ड्यूटी फ्रेंड जाके मुझे पता है क्या सुना मैंने क्लास में, तुम्हें पता है जो अगर आप उन पर जो भी आप यहां सुन रहे हो वहां जाके उसको बता रहे हो, तो आप जैसे मान लीजिए गलत ग्राउंड में जो है आप बीजा बो रहे हो, समझे ना, उसका माइंड फर्टाइल नहीं है उस भक्ति देता बीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप गलत जगह में जाके बीज बो रहे हो। तो पहली बात इंपोज मत कीजिए, वो व्यक्ति अपने स्थान पे सही है, हम अपने स्थान पे सही है, लेकिन हम दोनों एक कॉमन पॉइंट पे फ्रेंड्स है, एक कॉमन इंटरेस्ट पे। नाउ दैट कॉमन इंटरेस्ट में भी इधर वो आपके स्कूल का फ्रेंड है, या आपके वो कलीग है कॉलेज में, या अगर माताएं हैं तो आपके पड़ोसी हैं, कोई भी एक कॉमन पॉइंट, और आप जब भी बात कीजिए उस कॉमन पॉइंट पे ही बात कीजिए। जैसी आप अपनी भक्ति वाली चीजों को इंपोज करना शुरू कर दोगे, आप देखोगे वो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, अरे भाई ये बड़ा पका हुआ है, बहुत बोलेंगे, है ना, ये हम भी गलती करते थे हम लोग जब कॉलेज में थे, तो मैं चाहता था कि मेरे क्लास के हर एक लोग भक्त बन जाए, है ना, हमेशा, तो जैसे ही उनके पास आएगा धगाधड़ श्लोक शुरू, पता है प्रभा जी क्या कह रहे हैं, चला तेरे को बैठा सिखाता तेरे को मैं भक्ति, क्या कर रहा है माया में पड़ा हुआ तू, है ना, कोई पास नहीं भटकेगा आपके, सब बोलेंगे अरे साधु हो गया, ये साधु है, ये साधु ऐसा हो गया, है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको और एक बात बता रहा हूँ, लास्ट में जब हम 3 साल हम लोग ट्रेनिंग में थे, तो लास्ट जब हम जस्ट जाने वाले थे, हम कॉलेज से निकलने वाले थे, तब हमने सभी हमने फ्रेंड्स लोग को बुलाया, बोला यार इतने साल तक तुम कुछ किए नहीं, 3-4 साल चलो अभी आ जाओ, कम से कम प्रसाद खा के जाओ, अच्छा खासा फीस्ट बनाया उनके लिए और बढ़िया कीर्तन किया। तो जाने जाते वक्त मेरे कई स्कूल जो मेरे क्लासमेट्स, उन्होंने मुझे कहा देख यार तुम लोगों ने NIT का जो लाइफ इंजीनियरिंग का लाइफ है उसको सबसे अच्छा जिया, तुम लोगों ने पढ़ाई भी करके डिग्री प्राप्त करी और साथ में तुमने अपने वैल्यूज भी प्राप्त किए, तो एक्चुअली यू लिव्ड द एक्चुअल लाइफ। सब ने मुझे ये कहा जो हमारे क्लास के टॉपर्स थे और सब लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो आपके फ्रेंड्स देखें कि ये अपने प्रैक्टिस के प्रति जेन्युइन है, वो आपको एक ना एक दिन बहुत अप्रिशिएट करेंगे, वो जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि जो तुम आप प्रैक्टिस कर रहे हो यार वो सही में बहुत अच्छी चीज तुम कर रहे हो, बस। और टाइम विल कम जब वही लोग आपको बचाएंगे भी आपके भक्ति के लिए। कैसे, मान लो अभी 5 दोस्त गए कहीं पिकनिक कहीं पर, और वहां पर कुछ ऐसी चीजें नॉनवेज है या कुछ अल्कोहल है, बाकी लोग फोर्स करेंगे लेकिन ये मना करेगा, नहीं इसको ना मत दे, इसको साइड रख, तू अपना वो था। तो मैं जब अपनी कंपनी में था तो जब भी हम लोग जाते थे अपने जॉब पे, तो कोई टूर वूर पे, तो वहां तो हर चीज चलता था, तो मुझे मेरे ही फ्रेंड्स बोलते थे, पहले बोलते थे कि जो भी ऑर्गेनाइजर को भाई ये विदाउट ऑनियन गार्लिक चाहिए हमको एक प्लेट, वो जी बोला वेरी नाइस, तू भी लोग गार्ड बन गए यार मेरे, बहुत अच्छी बात है। तो दे विल हेल्प अस बिकॉज दे सी वॉट आवर कमिटमेंट, ऑल्दो दे मे नॉट नो द फिलोसॉफी, उनको पता नहीं है, बट उनको पता है कि ये मेरा दोस्त जो है जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है मैं नहीं जानता लेकिन जो कर रहा है अच्छा कर रहा है ना, ये चीज वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो इसीलिए कभी भी श्रील प्रभुपाद हालांकि वर्ल्ड आचार्य है लेकिन उनके कितने फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि भक्ति में नहीं थे बट स्टिल देवर फ्रेंड्स।
अभी गुरु महाराज प्रभु जगोपाल महाराज उनके इतने फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भक्ति में नहीं है, क्या वो चाहेंगे तो उनको भक्ति नहीं सिखा सकतेगा, खुद वो तो आचार्य है, बट नहीं, वो फ्रेंड्स को एज अ फ्रेंड्स डील कर रहे हैं और वो रेस्पेक्ट करते हैं। तो इवन आज इवन इस्कॉन से कई लोग, मैं बता रहा हूँ, जो लोग इस्कॉन को नहीं पसंद करते होंगे, बट वो लोग इस्कॉन के अंदर जो डिवोटी उसको पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर, है ना, जस्ट। तो ये चीज एक बहुत ही, देखिए आपके व्यक्तिगत व्यवहार से आप हर एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हो, बट आपको उसकी कला आनी चाहिए, आपको कला आनी चाहिए लोगों का दिल कैसे जीतना है, ये आपको समझना चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय देयर इंक्लिनेशन। तो आपका कोई फ्रेंड है, अभी आपको फ्रेंडशिप में चल ना यार, चलते आज, अभी 31st आ रहा है यार, क्या बहुत भक्ति भक्ति करा, चल अभी तो डिस्को डांस है, बाहर चलते चल। अब बोला चल यार फ्रेंडशिप निभाना है, प्रभुजी बोला था फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इन नीड आर फ्रेंड्स इन डीड, चल एक दिन तो मैं निभाऊंगा भक्ति। आप गए 31st को, आप नेक्स्ट संडे क्लास ही नहीं आओगे फिर, है ना, तो ऐसा भी नहीं होना है हम लोगों को। तो एक्चुअली क्या है, हमें अपने चीज पे फर्म रहना है, नॉट गेटिंग कैरिड अवे बाय देयर इंक्लिनेशन। एंड लास्ट इज डीलिंग विद एथिस्ट पीपल। एथिस्ट का क्या है, सिंपल दो चीज है, अगर वो लोग इनोसेंट हैं तो उनको भक्ति सिखाइए, अगर जो लोग है इनोसेंट है, इनोसेंट मतलब क्या है, उनके अंदर छल कपट नहीं है, मतलब वो अपराधी नहीं है, इनोसेंट मतलब जो अपराधी नहीं है, तो उनको आपको भक्ति में आने का प्रयास करना चाहिए। वो नास्तिक है लेकिन अपराधी नहीं है। जैसे एक वह लड़का मुझे मिला था उस दिन, तो वो बोला मैं नास्तिक हूँ, मुझे पहला ही शब्द ही बोला कि मैं नास्तिक हूँ, मुझे देखते ही, मतलब मैं मान ही सकता तुम नास्तिक हो, तुम मंदिर में खड़े तुम नास्तिक कैसे हो सकते हो वो भी चौंक गया, बोला तुम मंदिर कैसे आए फिर अगर तुम नास्तिक हो। एक्चुअली आपको बताऊं, इस दुनिया में आप एक भी व्यक्ति को नहीं पाओगे जो 100% नास्तिक है, इट इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं हो सकता। वो कोई ना कोई चीज का आस्था रखता ही रखता है, कोई ना कोई चीज को वर्शिप करता ही है वो, चाहे वो इम्पर्सनल हो चाहे वो पर्सनल हो, लेकिन वर्शिप करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचर है हमारा। तो अगर कोई ऐसा कोई इमोशन व्यक्ति दिख रहा है, भले वो भगवान को नहीं मानता हो, नो प्रॉब्लम, अगर आप उसको बोलोगे तुम कृष्णा को नहीं मानते, हाँ तुम एक नंबर के डीमन असुर हो, तुम नरक जाओगे, बोले आपने वही उसका पत्ता साफ कर दिया ना। अरे कृष्णा को नहीं मानते ऐसे हजारों लाखों लोग है, स्वयं भगवान जब मौजूद तब भी लोग नहीं मान रहे थे उसको, कृष्णा को कौन, कि जब भगवान यहाँ परसों द्वारका में थे तब कितने लोग वो मानते थे कि कृष्णा भगवान है, हार्डली फ्यू, जो उनके डिवोटीज थे। तो इसीलिए वो जरूरी नहीं है कि वो कृष्णा को मान रहे या नहीं मान रहे, बट ये जरूरी है कि दे आर नॉट ऑफेंडर्स, वो लोग अपराध नहीं कर रहे भगवान के प्रति। तो जो लोग अपराध करते भगवान के प्रति, उन लोगों से हमें दूर रहना है, उन लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि वो अपराध करेंगे आपके प्रति भी अपराध करेंगे, तो उनकी भक्ति और नीचे हो जाएगी, जितना अपराध करेंगे और नीचे जाते जाएंगे वो लोग, उनका कोई चांस नहीं है, उनका कोई चांस नहीं। देखो जगाई मदाई को चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया, पता है क्यों, बड़े पापी थे। अभी आगे एक बार जान के रखिए, पाप करना और अपराध में अंतर है, कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, सारे पाप किए उसने, लेकिन उसका चांस ज्यादा है भक्ति में एलिवेट होने का एज कंपेयर टू अपराधी। लेकिन जो कृष्ण अपराधी है, भगवान उसको कभी वो मौका नहीं देंगे। इसलिए अगर वो अपराधी नहीं है तो उसको भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, अगर वो अपराधी है तो दूर रहिए। जयराम जी की, सबको भक्त बनाने टीका हमने नहीं लिया हुआ है, तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए ना। मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, तो मैं बस एंड कर रहा हूँ। तो इसीलिए एथिस्ट लोग, हालांकि आपको भारत में तो बहुत मुश्किल से मिले आपको ढूंढने पर सही एथिस्ट, आप ढूंढोगे तभी नहीं मिलेंगे, है ना। वो किसी ना किसी पेड़ की पूजा करता होगा, कोई पहाड़ की पूजा करता होगा, कोई ना कोई चीज की पूजा करता ही होगा, 100% करता होगा। लेकिन अगर वो इनोसेंट है, उसके अंदर इनोसेंस है, then we should give them some element of Krishna consciousness जो उसके हृदय को टच करेगी। वो maybe एक हमारा गुंदस का पेड़ा ही क्यों ना हो, है ना, एक फूल क्यों ना हो भगवान पे चढ़ा हुआ। तो आप धीरे धीरे देखना देना शुरू कीजिए, आप देखिए ये सब चीजें ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू कर देती है लोगों के लाइफ में, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट इज 7 o'clock, नाउ वी विल ओपन सम टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। यस माता जी, शास्त्र में कुछ चीजें सिंपल बताई गई है, फॉर एग्जाम्पल इंटॉक्सिकेशन करना या गैम्बलिंग करना, मीट ईटिंग करना,
अवैध संरचना, दीज आर ऑल सिंपल एक्टिविटीज, बेसिकली फोर कैटेगरीज है. अपराध मीन्स यू आर ट्राइंग टू डिफेम, अपराध के भी सात वर्जन होते हैं. यू आर ट्राइंग टू स्टॉप समबडी हु इज प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग टुवर्ड्स कृष्णा. कोई एक व्यक्ति अपने भक्ति में आगे बढ़ रहा है और आप उसको नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हो, मतलब वो अपनी वास्तविक स्थिति में जाने का प्रयास कर रहा है और आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे उसका उसके एंथुसियाज्म कम हो जाए. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, ये लोग जो बिलबोर्ड्स बना के रखे हैं यहाँ अभी जो लोग लगाते हैं मुंबई में. नाउ हमारे एक परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, उन्होंने कहा था ये बात कि दिस पीपल विल गो टू हेल, ये लोग नरक जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक जीवात्मा का जो स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति होना चाहिए, ये लोग माया की तरफ उसको आकर्षित कर रहे हैं, मतलब ये लोग उसको पथ भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अटैक करके. तो दे विल गो टू हेल, उन्होंने कहा था नर जाना पड़ेगा उनको. तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान की ओर अग्रसर हो रहा है और आप उसके पथ में बाधा बन रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं, तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति को, कभी भी नहीं. लेकिन कोई व्यक्ति पापी है, पापी मतलब क्या है, बेसिकली पाप मींस व्हाट, अनकंट्रोलेबल सेंसेस. अगर हमारे इंद्रिया हमारे वश में नहीं है तो भगवान ऑलरेडी जानते हैं कि ये सब लोग हम लोग फॉलो नहीं है इस संसार में. तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट डू आफ्टर नोइंग इट, बट दैट इज नॉट अ बिग फॉल्ट. इसे जगाई माता इतने पाप के थे, महाप्रभु ने एक बार में खत्म कर दिया उनको. लेकिन वही जो महाप्रभु का कोई अपराध किया किसी भक्त ने, हाँ जैसे वो आपका अमोघ, अमोघ था वापस, वो तो बाद में क्या, लेकिन अमोघ को कहा महाप्रभु ने कि जब तक तुम्हारे हृदय में भक्तों के प्रति ईर्ष्या रहेगी तुम कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, कितना ही प्रयास कर लो. तो इसीलिए पाप से ज्यादा खतरनाक है अपराध. दैट्स व्हाई वी शुड बी केयरफुल विद डिवोटीज. भक्तों के साथ अपराध करना या उनके प्रगति में बाधक बनना, ये ज्यादा खतरनाक है ना. इसलिए शास्त्र क्या कहता है, पिता न सस्या जननी न सस्या. अरे आप पिता माता बनने के योग्य नहीं है अगर आप एक अपने बच्चे को भगवान की ओर नहीं ले जा पा रहे हो. ये तक शास्त्र कह देता है. क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि एक जीवात्मा का नेचुरल पोजीशन है कृष्ण भक्ति करना, नेचुरल है. अभी अननेचुरल लग रहा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग कभी एक बहुत ही परवर्टेड दुनिया में जी रहे, बट ये नेचुरल है और उसको उससे रोकना. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं भक्तों से, देखो कुछ भी करना किसी भक्त के और भगवान के बीच में मत आना. कभी भी मत आइए किसी भक्त और भगवान के बीच में कि आपके वजह से. मान लो कोई व्यक्ति मंदिर आ रहा है और आपने उसको ऐसे शब्द कह दिए जिससे उससे मंदिर आना बंद हो गया, दिस इज रियल ऑफेंस. कृष्णा विल नेवर फॉरगिव अस, नेवर. तो जो है भगवान, और अगर आपके बस की बात नहीं है आप भगवान पर छोड़ दीजिए, सलट लेंगे. बट वी शुड नॉट डू. इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी भी इस्कॉन से किसको निकाला नहीं, कभी नहीं. अनलेस बहुत ही गॉन केस हो गया, मतलब वो बहुत ज्यादा ही वो करने लग गया, लेकिन कभी नहीं निकाला उन्होंने. बोला नहीं, कई जन्मों के बाद ये जीवात्मा भगवान के संपर्क में आया है, इसकी भक्ति को नष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए. दिस इज अंडरस्टूड माता जी? ओके ओके. एनी अदर क्वेश्चंस हियर? यस लो जी. कुरुक्षेत्र में युद्ध के टाइम में वो टाइम क्यों चुना गया? वो टाइम वो ऐसा टाइम था कि वहां तो नहीं, वही टाइम क्यों चुना गया? शाम को. हाँ तो देखिए, एक्चुअली भगवान जो भी करते हैं ना बहुत ड्रामेटिक करते हैं, तो उनको प्रॉपर सेटिंग चाहिए, सब कुछ सीन में पूरा बढ़िया चाहिए, तभी एकदम बढ़िया शूटिंग आता है. हाँ तरीका है, देखिए भगवान बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच, ऐसी किसी रूम में जाके काउंसलिंग करेंगे पर्सन क्या मजा आएगा उस पर. तो एक्चुअली वो एक कारण है. और एक कारण क्या है, आप देखोगे जब अर्जुना बोलता है भगवान को कि सेनय और उभय और मध्य रथम में स्थापन अच्युता, हे अच्युता मेरे चैरियट को मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में जाके रख दो, बराबर भगवान उसके रथ को दो व्यक्ति के सामने रखते हैं, एक है भीष्म पितामह और एक है द्रोणाचार्य. क्यों? अटैचमेंट. ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो अर्जुना के हृदय के सबसे करीब थे, एक उनके गुरु एक उनके पितामह, है ना. तो भगवान वही दिखा रहे हैं, ये गीता जो है ये उस अर्जुना के अटैचमेंट को तोड़ने के लिए. और अर्जुना के जो भी इमोशंस आ रहे हैं गीता में आप देखोगे वो लाइव इमोशंस आ रहे हैं. जब वो बोल रहे हैं कि मेरे हाथ से मेरा धनुष
फिसल रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे शिवरिंग हो रही है, हो रही है, तो वो इमोशंस भगवान दिखाने के लिए, देखो ये व्यक्ति जो आज इतना बड़ा धनुधारी है, दुनिया का नंबर वन बेस्ट यू नो आर्चर, इसके साथ भी ऐसा हो जाता है, हृदय दौर्बल्यम। तो भगवान जो है वो एक्चुअली अर्जुना के माध्यम से हमको सिचुएशन दिखा रहे हैं कि देखो जब सिचुएशन आएगा तुम भी कमजोर पड़ जाओगे। जब लोग बोलते ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं सब कुछ झेलूंगा, नहीं, भगवान बोलते ऐसा नहीं होगा। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी जो है समय और परिस्थिति के सामने झुक जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान अर्जुन की हेल्पलेसनेस को दिखाने के लिए जो है ऐसा बैकग्राउंड बनाते हैं ऐसा। और भगवान वहां पर सोचो पूरा युद्ध को रोक करके उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में, क्योंकि ये जीवन भी युद्ध के समान है। तो यहां पर हर पल अभी युद्ध में, क्या युद्ध में आपको कब तीर लगेगा, कब मृत्यु होने वाली, कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी है। इसीलिए लाइफ में भी बहुत अनसर्टेनिटी है, कब हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, कब हमारी ईगो को कौन हर्ट करेगा, कौन हमें प्रेस करेगा, कौन हमें इंसल्ट करेगा, नोबडी नोस। अच्छा खासा आपका मूड होगा, आप घर में आओगे कुछ थोड़ा सा बात हो गया ले पूरा मूड चौपट हो जाता है ना ऐसा। तो वो सिखा रहा है गीता, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर रहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं लाभ जय समय कृतवा, अरे सब में समान करना सीखिए। अगर आप गीता को देखोगे तो ग्रेजुअली भगवान बिल्डअप करते 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 अर्जुन को लास्ट चैप्टर क्या है, रिनंसिएशन, डिटैचमेंट, वैराग्य, लास्ट में भगवान उसको ऐसा तैयार कर देते अर्जुन को कि नाउ ही इज नो मोर अफेक्टेड बाय एनी मटेरियल कंसिडरेशन, नष्टो मस्तुति लब्ध्वा, अब मेरा वापस से चेतना आ गया भगवान, करिष्ये वचन, जो बोलोगे वो करूंगा। ये अल्टीमेट कंक्लूजन है कि अभी आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो इसीलिए वो हमें उस सिचुएशन में, आप मान लीजिए ऐसे सिचुएशन आप वो जहां आपका अटैचमेंट आपको बहुत खींच रहा है, या आपके गुरु या आपके स्पिरिचुअल मेंटर आपको कह रहे हैं नहीं ये मत कर, तो अगर आप उस समय स्थिति पे पहुंचे करिष्ये वचन तब जो बोलोगे गुरु महाराज वही करूंगा, दैट मीन्स वी हैव अंडरस्टूड गीता। और अगर आप उस समय फिर आर्गुमेंट करोगे मतलब कोई गीता पढ़नी नहीं है, तो अभी बड़े बड़े लोग गीता के वाचक है लेकिन वो अपने जीवन में जब स्थिति आती है तो वही लोग सब फिसल जाते हैं। तो वो सिचुएशन को दिखाने के लिए कि कैसे जीवन में सिचुएशंस आती है उसको कैसे डील करा जाए, समझे? ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ यस माता जी, यस व्हाई नॉट, इनसिक्योरिटी इनफिटिकल वे सो मच। सी इफ यू सी भगवद गीता एक्चुअली, अगर आप अर्जुन, मैं हिंदी में बोलूंगा मैक्सिमम हिंदी में, तो अगर आप गीता देखेंगे तो अर्जुन जो है अभी उसके लिए वो हारे चाहे जीते भगवान क्या कह रहे हैं, दोनों चीज आपके लिए जो है लाभदायक है, दोनों चीज आपके लिए लाभदायक है। कैसे, अगर आप हार जाओगे, आप हार जाओगे आपकी मृत्यु होगी, आप हेवनली प्लैनेट जा रहे हो बिकॉज आप क्षत्रिय हो आप भी जो, और अगर आप जीत गए तो आपको पूरा किंगडम मिल रहा है, दोनों चीज में उसके लिए है। बट अर्जुना के अंदर वीकनेस क्यों आ रही है नाउ, अभी हमें जानना पड़ेगा कि इनसिक्योरिटी का कॉज क्या है। इनसिक्योरिटी का कॉज होता है बिकॉज वी आर नॉट स्टेबल इन आवर लाइफ, व्हेन यू आर नॉट इंटरनली हैप्पी। अगर आप जब अंदर से संतुष्ट नहीं हो तो क्या होगा, आप बाहर चीजों में अपनी आनंद अपने खुशी को ढूंढते हो, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस आनंद पे क्लेम करना शुरू कर देता है तब आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसका, मान लीजिए एक एक दो बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ट्रायंगल है, सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही रिलेशन है, मुझे यही याद आ रहा है अभी, है ना। तो अगर ये उसको डेट पे ले गया तो ये बेचारा जल के पूरा मर जाएगा, ये तो वो हो जाएगा, बिकॉज उसको क्या डर लग रहा है कि जो मेरे प्लेजर का सोर्स है उसको कोई और कैप्चर कर लिया। इनसिक्योरिटी यही चीज है। अभी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्यों झगड़ा होता है, इनसिक्योरिटी क्यों होती है, आपको क्या लगता है ये लैंड अगर ये हड़प लिया मेरा क्या होगा, है ना। तो इनसिक्योरिटी का कारण ही है कि आप अपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को एक्सटर्नल चीजों पे डाल रहे हो। तो भगवद गीता इसीलिए, भगवद गीता क्या सिखाती है हमें, गो इनवर्ड्स, अपने अंदर जो है आप अंदर अपने अंदर में आपके सुख को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति के लिए लोस त्रासपा वो यूज करते हैं, उसके लिए गोल्ड का कॉइन चाहे एक मिट्टी का वो समान है। जैसे तुकाराम महाराज का एग्जांपल सुना होगा,
तो शिवाजी महाराज जब बुला करके उनकी पत्नी को वो हार वार पहनाते हैं, सब पहनाते हैं, तो दुकान में जाकर के बोलते हैं, तो वो आवली जो रहती है उनकी पत्नी, इतना वो खुश आती है, अरे कुछ तो फायदा हुआ है तुम्हारा इतना राम कृष्ण हरि करने का, चलो कम से राजा कुछ दिया। तो वो आ करके उसका एक एक उसके शरीर से पूरा इंस्ट्रूमेंट वो निकालते हैं, अंगूठी हार सब, और जमीन डालते, बोलते हैं इसमें और ये मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, बोलते हैं। तो शिवाजी महाराज देख रहे होते हैं पीछे से चुप करके, बोलते हैं मान गया ये व्यक्ति को, इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है ये, इतना आसान नहीं है, जब बोल सामने आएगा ना अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। अरे तो एक्चुअली जो लोग इनर पीस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं उनके साथ ये इनसिक्योरिटी इनस्टेबिलिटी ये जो सारी चीज प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी। इसीलिए भगवदगीता जो है, एक्चुअली भगवदगीता कोई व्यक्ति पढ़ेगा ना तो वो इस दुनिया में कुछ और चाहने का प्रयास नहीं करेगा, he will not want anymore, है ना, उनको कुछ और वो नहीं रहेगा। तो ऑफकोर्स मेरी मदर भी इस लेक्चर में है, मैं उनको एक बार ये चीज बता रहा था, तो पहले जैसे अभी हर लेडीज में गोल्ड और ये सब को लेने का वो रहता है ना, तो नाउ समटाइम्स यू आर टेलिंग मी कि अरे अभी ठीक है जब तुम लोग बहुत कमाओगे तब हम अच्छा खरीद के रख लेंगे सारा, बहुत सालों पहले बात। मैं बोला मम्मी अगर इसका एक दिन ऐसा आ जाए कि आपको मनी ना करे खरीदने का तो क्या करोगे, अभी वही दिन आ गया, तब बोल रहे अरे हमने इतना गोल्ड डायमंड शॉप जाते नहीं, मन नहीं कर रहा अभी खरीदने का। बोला ये भी एक प्रकार का वो है, आइदर यू हैव मनी टू बाय और यू आर सो सैटिस्फाइड यू डोंट नीड इट ओनली, या तो आपकी जरूरतों को कम कर दो और या तो फिर आपके पास इतना ऐश्वर्य है तो ठीक है पूरा कर लो या ओवरली सैटिस्फाइड हो जाओ, लेकिन बेस्ट है हम जितने अपने नीड्स को कम करेंगे और अंदर में खुश होने का प्रयास करेंगे, आप देखोगे आपको उसकी दरकार ही नहीं पड़ेगी, दरकार नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये फैक्ट है, जो भी व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस फॉलो कर रहा है वो व्यक्ति सुखम आत्यंतिकम यत्तर बुद्धि ग्रह मतिंद्रियम यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, भगवान गीता में कह रहे हैं ऐसे सुख अनुभूति करता है अंदर में कि इसको प्राप्त करने के बाद मन्यते नाधिकम ततः और कुछ नहीं चाहिए मुझे, स्वामी किताब में वरम ना याचित, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वो अंदर के सुख को बहुत महसूस करता है। तो ये आपको फायदा हुआ गीता पढ़ने से फॉर श्योर। डज इट मेक सेंस माता जी, इज इट ऑल राइट? ओके ओके, यहाँ पर यस माता जी, वो देखिए वो गांधारी जो है सो अभी वो अपने देखिए गांधारी का जब नाम आता है चेस्ट लेडी में नाम आता है उनका, ठीक है, अभी गांधारी इतनी चेस्ट थी कि वो अपने आप उसको माइक को ऑफ कीजिए तो इसमें वो डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो गांधारी इतनी चेस्ट थी कि उनको क्योंकि पति अंधे थे तो अपने आंख पे पट्टी बांध लिया। अभी शास्त्र का कहता है ठीक है ये जो एक्ट उन्होंने किया ये बहुत अच्छा किया, चेस्ट थी वो, लेकिन उनके पति को उन्होंने स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं दिया, तो वो एक्सटर्नल तो ब्लाइंड थे ही उनको अंदरूनी रूप से ब्लाइंड कर दिया। एटलीस्ट शी शुड हैव दैट नॉलेज कि भाई तुम अपने बच्चों के प्रति इतना आसक्त हो करके इतना वो मत हो नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो गांधारी ने भी क्या किया, जो हो रहा है चलेगा, मैं खाली पति पति की पतिव्रता स्त्री हूँ, ठीक है, तो अपने दैट इज ओके। बट देखिए जब जहां कृष्णा का इंटरफेरेंस आ रहा है ना, एट दैट टाइम इवन यू कैन रिजेक्ट हिज ओपिनियन, दैट इज ऑल्सो इन शास्त्र, कि कभी ऐसा मौका आ जाए, इवन ये ऑफकोर्स कभी ये फॉलो ये करना नहीं है लेकिन शास्त्र लिखा हुआ है, कभी ऐसा दिन आ जाए कि किसी को मैं अगर ओपनली बोलूंगा तो बहुत हंगामा हो जाएगा, पर छोड़ना पड़ जाए अगर कृष्ण के लिए तो ये शास्त्र कहता है छोड़ देना चाहिए अगर ये, क्योंकि क्योंकि क्या है व्यक्ति के लिए पहला कर्तव्य है स्पिरिचुअल अपने आत्म उन्नति के लिए करना, वो ये बात एक्सट्रीम है। तो गांधारी ने आंख में तो पट्टी बांध ली लेकिन उसने कभी उनको गाइडेंस करने का दिया नहीं, तो जो भी गलत करते गए वो साथ देते गए। पतिव्रता होने का मतलब ये नहीं कि पति जो भी गलत करे उसको कि हाँ सब सही है सब सही है, ये उसका फॉल्ट था। अभी श्राप क्यों दिया उसने, क्योंकि वो दुर्योधन से अटैच थी और कृष्ण उनको क्या लगा कि कृष्ण ने सब छल करके जो है वो सारा चीज हड़प लिया, सारा चीज मतलब उनको ये कृष्ण ने ही जो है पांडवों को पूरा स्ट्रेंथ दे करके और युद्ध में सारे लोगों को मरवा दिया, ऐसा उनका मानना था।
ऐसा करना था, क्योंकि वो जब लास्ट में पता है कि दुर्योधन को उन्होंने स्टील का बना दिया था, तो कृष्ण ही बोले ना उनको, अरे तुम माँ के सामने, आपको पता नहीं स्टोरी, जब दादाजी आपने पट्टी से आँख खोली तो उसने कहा था कि पूरा नेकेड आना मेरे सामने, बॉडी स्टील का बना दूंगी। तो उसने कहा बेसरा इतना बड़ा हो गया, कम से कम कुछ लंगोट या कुछ तो लपेट के जा, और वही जान उनका जो है वो नहीं बन पाया और वहां पर उन्होंने मारा। तो इतनी अटैच थी गांधारी। आपको ये भी पता होगा गांधारी और कुंती, एक्चुअली गांधारी और कुंती दोनों प्रेग्नेंट थी, और कुंती को पहले दृष्टि महाराज पैदा हो गए। तो जब कुंती को पैदा हो गए तो गांधारी को इतना क्रोध आया कि मेरा पहला बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो उसने अपने गर्भ को अपने हाथ से मारा, और गर्भ को जब हाथ से मारा तो एक इसका मांस का टुकड़ा बाहर आया उनके शरीर से। फिर व्यास देव को बुला करके उसको 100 टुकड़े किया गया, और उस 100 टुकड़े में से 100 बच्चे पैदा हुए गौरव, ऐसे जन्म हुआ था। इतनी एनवियस हो गई थी वो कुंती से, है ना। तो खैर भगवान को श्राप पर कुछ लगता नहीं है, भगवान को तो कितने लोग श्राप दिए उसका कोई ठिकाना नहीं, आज भी दे ही रहे लोग भगवान को, ऐसा करते भगवान एक लीला करते हैं कोई भी चीज के पीछे, वी जस्ट प्लेज अ रोल इन दैट थिंग। समझ आया आपको? किन के पति ने? धृतराष्ट्र ने। अरे आपको लग रहा है धृतराष्ट्र ने गीता सुनी, आपको लग रहा है ले गीता नहीं सुनी उसने, वो तो खाली इसलिए बड़ा था, बताओ कौन पांडव मरा। अरे यस आई कम टू यू, माता वो बोल रही है कि सॉरी धृतराष्ट्र जो है वो सुन के भी बहरा था, यही तो पूरा अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता का। मैं बोला ना, अगर आप गीता सुनने के बाद आपका कंक्लूजन क्या है, करिष्य वचनम तव, ये कंक्लूजन है, तो अगर धृतराष्ट्र उसमें बोलता अब मुझे रोशनी मिल गई आंख को, कृष्णा बोलो क्या करना है, तब उसने गीता सुनी। तभी हम गीता में हजार लोग हम क्लास देते हैं, कितने लोग सुनते हैं सही में? नहीं सुनते वो, क्योंकि धृतराष्ट्र वहां बैठा ही था, कौन जीता क्या हुआ बताओ। संजय ये बोल रहा है कि अरे इनका वाद सुन करके मेरा तो रोम हर्षण हो गया है, और उसने कंक्लूजन दे दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पादनुर तत्र श्री विजय नीतिर मतिर ममा, जहां पर कृष्ण अर्जुन है वहां तो विजय होना ही होना है, बट फिर भी धृतराष्ट्र चुप लगा के बैठा कि नहीं मेरे कौरव जीतेंगे। तो संजय आपको पता है भीम ने लिया था ये वॉक, मैं एक एक कौरव को मैं मारूंगा, 100 को उसने मारा, हर दिन 18 दिन सुनाया पूरा ये गीता महाभारत चला ना, हर दिन ये बोलता था धृतराष्ट्र आज तुम्हारे 10 गए, आज 9 गए, आज 11 गए, हर दिन। तो गीता तो सुना रहा है साथ साथ में, यही बता रहा है कितने बच्चे मरे तुम्हारे, और वो जो पेन था तो उसके अंदर वो भीम के प्रति इतना उसके अंदर वो आक्रोश आ रहा था कि आपको पता है कि जब लास्ट में एम्प्रेस करने के लिए जाता है तो भगवान बोलते हैं अरे लोहा का बना के भेजते हैं, वो टूट जाता है लोहा का, धृतराष्ट्र के सोचिया। तो जिसके अंदर आक्रोश भर रहा है, जिसके अंदर ईर्ष्या भर रही है, वो क्या गीता सुनेगा? वो क्या गीता सुना होगा? वो ही नेवर हर्ड ही भगवद गीता, कभी नहीं सुना उसने, अपने अपने बच्चों पे आसक्त। वैसे ही हमारा जीवन भी है, तो हम इतना क्लासेस सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमारा अभी तक चेतना उस आसक्ति से नहीं हट रहा है तो आप सुन के भी नहीं सुन रहे हो, वो असर नहीं होने वाला। तो वी हैव टू बिकम रिसेप्टिव फॉर हियरिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, वो करना पड़ेगा। यस अंदर जी आप पूछिए। अरे कौन बोला? 10 पुत्र थे उनके, नो 10 सन। कृष्णा का परिवार पता है आपको? 16,108 रानियां, हर एक से 10 पुत्र, और उस हर एक पुत्र से और 10 पुत्र। मतलब मान लो अगर कृष्णा का पूरा फैमिली मिलाएं तो नवी मुंबई शहर बस जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। 2 × 10 160,000, 16,00,000, कितना? रुक्मिणी के पुत्र ना प्रद्युम्न, प्रद्युम्न उनके पुत्र हुए ना, तो पुत्र है, बहुत बहुत बड़ा फैमिली है भगवान का। उनका बेटा वो तो ये वज्रनाभ उनका बेटा, ठीक है। एनी प्रभु जी ऑनलाइन किसका था? हाँ यस 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 My question is like many devotees are there in the and you said that like you know if you keep someone who you can trust upon, then
we can repeat or we can just say two things with them. Many a time, we don't keep the same aura, like we don't get the same aura and from the, you know, different personality to be here. And even though they are attached with this institute for so many years, so how can you judge a person for that? तो सी माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका प्रश्न ये है कि आप कई लोगों से मिलते हो कृष्ण भावना संघ में और आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस व्यक्ति से जाके हम अपने मन की बात कह सकते हैं, गुहिया माकृति पुच्छति जो है वो कर सकते हैं, तो हम जज कैसे करें वो सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल वेट फॉर सम टाइम। देखिए कई बार हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक है, वो और होते हैं। तो इवन डिवोटीज में भी वी आर ऑल प्रैक्टिशनर्स and we have shortcomings. तभी क्या है, नए नए जब हम आते हैं भक्ति में तो अफकोर्स हमें सबको भक्त कंसिडर करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि एवरीबडी इज ऑन द प्रोसेस, दे आर नॉट परफेक्ट येट, दे आर नॉट परफेक्ट येट। नाउ अब फ्रेंडशिप कब होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब आपके लिए अगर आप कोई माताओं में यू फाइंड सम डिवोटी यू नो whom you can gel with, आप समझ रहे हो जेल मतलब क्या कि आपकी लैंग्वेज को समझ पा रहा है व्यक्ति। आई एम नॉट टेलिंग लिटरली लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स आपके थॉट प्रोसेस, आपके सोचने का तरीका वो व्यक्ति जान पा रहा है, तो देन यू नो एंड यू हैव फुल कॉन्फिडेंस दैट दिस पर्सन विल नॉट मेक बैड यूज ऑफ माई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, देन ओनली यू कैन रिवील, यू नो, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज कलियुगा मीन्स हिपोक्रेसी एंड क्वारल। तो मैंने कई बार देखा है जो दो भक्त आपस में बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं बाद में वही कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, ये भी हो जाता है, है ना, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हमने सी इट टेक्स 25 ईयर्स टू अंडरस्टैंड अ पर्सन अकॉर्डिंग टू आई एम नॉट टेलिंग द स्टेटमेंट, आई हर्ड फ्रॉम वन वेरी ग्रेट रिनाउंड स्पिरिचुअल मास्टर इन इस्कॉन, ही टोल्ड 25 years it takes. इसलिए when people celebrate silver jubilee, you know their marriage anniversary, I tell, okay, आप शायद समझ गए होंगे दूसरे को, टिक गए इतना साल, बहुत बड़ी बात है। So it is not easy to understand people, not easy. And sometimes you may think somebody ये तो ऐसा है, but 5-10 साल बाद पता चलेगा बाबा ये तो कुछ और ही था, कुछ और है। Because everybody has their own perception, has their own. The best thing is that we should try to find answers to our problems in scriptures initially, and initially scriptures or you know some advanced devotees like our spiritual master, those are very solidified in Krishna consciousness like guru, so you can you know reveal guru and tell diksha guru spiritual master, you know those jin sab diksha lete hain to taake unke samne hum kuch bhi apni baat bata sakte hain, this because he is such an elevated person that he can absorb anything, he can do that. DTs we can tell, and we can pray to DTs that please send somebody for my help, please send somebody, then Krishna only arranges that he will send you some devotee which will really help you a lot in this aspect, but we need to find hame kisi bhi aise devotee circle mein dhoondna chahiye jo vyakti se hum jo hamare bhakti mein sahayak ho, aur ye aapko kuch samay baad hi pata chal jayega, over span of 1-2-3 years आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी थॉट प्रोसेस जा रही है। मैं कई लोग भक्तों देखता हूँ, वो लोग क्या है बराबर जो ये सोचता है वो यही सोच रहा है वैसा ही, क्योंकि लोगों के थॉट प्रोसेस मैच करती है। सो इनिशियली आई टेल यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम एंड प्रैक्टिस द प्रोसेस, देन कृष्णा विद इन द हार्ट विल रिवील दैट थिंग, इट विल कम ओवर टाइम ग्रेजुअली, बिकॉज व्हाट आई सी दैट Krishna also helps us to meet such people in terms of our spiritual master or you know our mentor or you know our devotee friend, but we have to be in the process thoroughly, then Krishna will help in that regard. That's what I can say with my experience. Okay. Thank you. Okay, online one question is there. Krishna bhakt ke liye लेट गो करने की सीमा क्या होनी चाहिए, लेट गो करने, अच्छा लेट गो करने की सीमा क्या होनी चाहिए, धैर्य और पॉजिटिवली एक तरफ कब तक होना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो क्या हम माफ
माफ ही करते हैं रहे, अच्छा माफ ही करते रहे, रिलेशंस भी मेंटेन करते रहना है और भक्ति में भी कंसंट्रेट करना है, ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करें? ओके, पहले हमने समझे तो प्रश्न क्या है, तो सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली कि कब एक लेट गो, मतलब कोई भी चीज रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छोड़ने की क्या सीमा होनी चाहिए, और धैर्य और पॉजिटिवली एक तरफा कब तक होना चाहिए? हाँ मैं समझ गया जी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जैसे आप एक रिलेशनशिप में हो, आपके घर में कोई फादर मदर है क्या कोई, तो उसमें क्या एक व्यक्ति जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहा, वो मतलब आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, तो लेट गो का मतलब है कि आप ठीक है चलो माफ किया, ठीक है चलो माफ किया, मतलब एक तरफा रिलेशनशिप चल रहा है, समझ रहा हूँ, एक तरफा चल रहा है, दूसरे तरफ से कोई रिप्लाई है कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, तो देखिए ऐसे स्थिति में क्या है हम लोगों को स्टिल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड हम जो भी रिलेशनशिप में आज हैं, ब्लड रिलेशनशिप की मैं बात बोल रहा हूँ, वो बाय प्रोविडेंस है, वो बाय विल ऑफ गॉड है, हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार है, आपने चूज नहीं किया उसको, है ना। तो अभी कभी कभी क्या होता है हमारे कुछ कुछ रिलेटिव्स हमारे पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं और वो बराबर हिसाब किताब करने के लिए आए जन्म में, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, आप देखोगे उनसे 36 का आंकड़ा आपका रहेगा ही रहेगा हमेशा, ये होगा ही होगा कितना ही प्रयास कर लो, तो उस समय क्या करना चाहिए, भगवान थैंक यू फॉर माय प्यूरिफिकेशन, और सह के चलते चलो चलते चलो। अब फॉर एग्जाम्पल आप दुर्योधन को देख लीजिए, वो इतना एमबीएस व्यक्ति कि पांडवों ने कितना बार सुलह करने का प्रयास किया लेकिन वो तैयार ही नहीं है, शिशुपाल को देख लो बचपन से कृष्ण को गाली दे रहे हो, तो ऐसे लोग हमारे साथ आएंगे ही आएंगे, इवन आपको बता रहा हूँ डिवोशनल लाइफ में भी आएंगे, आप भक्ति में देखोगे कोई ना कोई एक बंदा जरूर आएगा जो बराबर आपको प्यूरिफाई करेगा, और इस चीज को तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, भगवान की कृपा मान करके कि भाई मेरे कर्मानुसार ही मुझे ऐसा तकलीफ झेलना पड़ रहा है, लेट बस चलते चलो जी, आप यही कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि आप कितना ही प्रयास करो कई बार रिलेशनशिप को आप मैनेज नहीं कर सकते, है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मेरी सिस्टर बता रही थी कि उसके एक फ्रेंड को जबरदस्ती मैरिज करा दिया गया, उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती किसी का मैरिज करा दिया, और वो इसको कॉल करके उसका बुराई करती थी अपने हस्बैंड का, अरे ऐसा है ये है वो है, तो मैंने इसको एक एडवाइस दिया, देख भाई अब शादी हो गई है, अब चाहे जो भी हो यू टेल हर टू जस्ट टॉलरेट एंड वेट फॉर टाइम बी, एंड टाइम विल कम व्हेन शी विल बी लाइकिंग दैट पर्सन, समय आ जाएगा जब, अगर ये बात आप शादी के पहले बोलते तो कुछ हाथ पांव मार सकते थे, फिर रोको कुछ करो ऐसा करो, बट अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अभी कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए कुछ चीजें जो है समय पे छोड़ देना चाहिए उसको, कीजिए हर चीज को आप सॉल्व करते बैठोगे इट इज नॉट पॉसिबल, तो बेटर टू फोकस ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस मोर पॉजिटिवली, एंड देन रादर टू प्रे दैट कृष्णा प्लीज चेंज दैट पर्सन, प्रे दैट कृष्णा गिव्स मी टॉलरेंस, भगवान मुझे सहने की शक्ति दे दो, अपने आप चीजें ठीक होने चलते हो जाएगी, यही मेरा इसमें रिप्लाई रहेगा, अब बाकी कुछ पर्सनली रहेगा जो पूछा प्रश्न तो उनसे पर्सनली, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, and I beg forgiveness अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो या अपने सीमा से बाहर या वो है, तो व्यक्तिगत रूप में मत लीजिएगा, इसको जनरलाइज करके ही पॉजिटिवली लीजिए, थैंक यू, हरे कृष्णा।